Good morning, sir. Sit down. आज से मैं हूं तुम्हारा नया क्लास टीचर, समझ गए बच्चों? हर किसी स्टूडेंट की जिंदगी की नई शुरुआत जिस क्लास से होती है वो है 10th स्टैंडर्ड, इसलिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। ओके, अभिलाष टीके प्रेजेंट सर, अनुप रमेश प्रेजेंट सर, बिंदु पीपी प्रेजेंट सर, विवेक चंद्रन प्रेजेंट सर, एडविन टीसी प्रेजेंट सर, फिरोज अहमद, गिरीश केके प्रेजेंट सर, संतोष प्रेजेंट सर, यूनिक कृष्णन प्रेजेंट सर। उन्नी कृष्णन प्रेजेंट सर। साइलेंस। उन्नी कृष्णन। स्टैंड अप। उन्नी कृष्णन प्रेजेंट सर। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? चलो हाथ आगे करो। क्या हुआ सर जी, क्या हुआ? ये मेरा लड़का है। ओ, ये आपका लड़का है सर, इसलिए इतनी मजाक कर रहा है? क्लास अटेंडेंस लेते समय लड़कियों की आवाज निकाल कर मुझे बेवकूफ बना रहा था। अरे वो जानबूझकर ऐसी आवाज नहीं निकाल रहा था, उसकी आवाज ही ऐसी है। ओ, आई एम सॉरी। कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन मैं मुंह पे बोलता हूँ। वही है शशि भाई। भाई मर्द हो तो ऐसे ही हो शशि। वही तो बता रहा हूँ, मर्द जैसे बात करने के लिए दो पैक लगाना पड़ता है, समझा ना? हाँ एकदम सही बोला भाई। अबे क्या कर रहा है ये तू? अंडे से बाहर नहीं आया कि शुरू हो गया तभी? बिना पूछे क्यों छुआ? तू वो बाला सर का बेटा है ना? हाँ मैं तेरे बाप से अभी बात करता हूँ। उसी से पूछो क्यों मार रहा हूँ, ताड़ी पी कर आया है। सच है ये? बोल, सच बोला, दारू पिया तू? बोल, सच बोल। दारू पियेंगे तो मेरी आवाज मर्दों जैसी हो जाएगी, इसीलिए मैंने दारू पी थी। To ask the doctor, care of Mangalam News, Kottayam. माननीय डॉक्टर, मैं 15 साल का एक लड़का हूँ, लेकिन मेरी आवाज बिल्कुल लड़कियों की जैसी है। एक लड़के की आवाज में वजन उसकी जवानी के समय में आ जाता है, मैंने ऐसा सुना था, लेकिन मेरी आवाज में अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है। मैं इसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। कल देखा था वो मुझसे बात कर रही थी, मुझे तो बहुत मजा आ गया था। देख देख और कैसे गया तेरा दिन? आज तो मैं तू मुझे चिढ़ा रहा है। चिढ़ा तो क्या करेगी? अरे क्या, मारो उसको। इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते। वो तो सही है, लड़कियों वाली आवाज के लिए इसको कोई नाम रखते हैं। क्या नाम? कोई और अच्छा सा नाम रखते हैं इसका। फीमेल उन्नी कृष्णा। हेलो हेलो सर।
सीमा का घर है ना? हाँ है, आप कौन? सीमा की दीदी बात कर रही है क्या? नहीं, मैं सीमा का पति बोल रहा हूँ, नरसीमा। सीमा क्यों मजाक कर रही है? नहीं, मैं शक्ति कपूर हूँ, बोलो तो प्रेम चोपड़ा भी बन जाऊँ। रख फोन, चल भाग। तूने मुझे चल भाग कहा? तेरी तो मोटी कहेगी, इतना साफ बात करने के बाद भी तुझे समझ में नहीं आता कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। तुझे तो डूब के मर जाना चाहिए। तू जैसी औरत का यहाँ पर जीने का कोई अधिकार नहीं है। आज तक कभी यहाँ पर फोन मत करना, समझ गई ना? फोन रख। इतने बेस में बात करने के बाद भी उसे समझ में नहीं आया, बेवकूफ कहीं की। ओ, रॉन्ग नंबर होगा ना बेटा। फोन आते ही उठाने को भागता है, और तेरे से कोई कुछ पूछे तो तू भड़क जाता है। सुन, तू एक लड़का है, उनको भी पता होना चाहिए। तेरी ये आवाज सुन के कैसे पता चलेगा? वो मेरी गलती नहीं थी क्या? मेरे पिताजी बालाजी की आवाज ऐसी थी? नहीं ना, क्या मेरे पिताजी के पिताजी की आवाज ऐसी थी? हाँ, या उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी की आवाज ऐसी थी? बोलिए, जैसी मेरी है? नहीं ना, तो फिर मेरी आवाज ऐसी क्यों है? ये सब गलती आपकी है माँ। जब आप गर्भ होती थी तो उस समय आपकी नाभि में चोट लग गई थी, और ये बात मुझे डॉक्टर ने कई बार बताई है। सिर्फ आपकी ही वजह से मेरी आवाज इस तरह से हुई है, समझ गई? ये बात भूलिएगा मत। पता नहीं किस घड़ी में मुझे इस तरह की माँ मिल गई। हे भगवान, मेरी आवाज में कमी है, लेकिन दवाइयों की कोई कमी नहीं है। आज मैं कौन सी दवाई खाऊं? हाँ, ये खा लेता हूँ, कंठा कदोरा पिन्ना प्रस। इसका नाम कितना खतरनाक है, पता नहीं खाने वाले की हालत कैसी होगी। इसकी बदबू तो नाले से भी ज्यादा खराब है। अब मैं रेडी हूँ। अरे बाप रे, मेरी हालत खराब हो गई। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्यारे भगवान, लंगड़े की हालत देखकर आप समझ जाते हैं, अंधे को देखकर आप समझ जाते हैं, हर किसी की परेशानी को समझ जाते हैं, लेकिन मेरी ये तकलीफ केवल मुंह खोलने के बाद ही पता चलती है भगवान। जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं, वहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाता। भगवान, मुझे और शर्मिंदा मत करो, मेरा कल्याण करो भगवान। मैं ऐसे मुंह बंद करके अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। पता नहीं मैं अपनी ओरिजिनल आवाज में कब बात कर पाऊंगा। हे भगवान, आशीर्वाद दो, दुनिया के लोगों से मुझे लड़ने की शक्ति देना प्रभु। लगता है रोज जाने वाली बस चली गई, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। कोई मुझसे बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बता लेना मेरे प्रभु। थक गए यहाँ। 9:30 की बस आज नहीं है तो 10:15 वाली गाड़ी टाइम पे आनी चाहिए। ये सब लोग ऐसे ही बिना बताए नहीं आएंगे तो हम सब क्या करेंगे? इसके खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, है ना भाई? मैंने कुछ गलत बोला क्या? कुछ गलत नहीं बोले। यहाँ खड़ा रहूंगा तो शायद मुझे नहीं बुलाएगा। सुबह सुबह निकला है सबको तकलीफ देने, जाने बेवड़े। अरे अरे, फेंक मत, मैं मर जाएगा, तू जिम्मेदारी लेगा? मारेगा मुझे? तुझे क्या पूछा मैं? आज का पेपर आया क्या? तूने बोला आया। अरे आज का पेपर आज नहीं आएगा तो कल आएगा। अब तू मुझे सिखाएगा? उसके लिए ये हाल किया तूने मेरा। याद रखना, 2 मार 1 लात, सब एक साथ वापस करूंगा। मुझे कहीं शांति से खड़े रहने की जगह ही नहीं मिल रही, अब ये कहीं मेरे पास ना जाए। हे भगवान, ये मुझसे कुछ ना पूछे, कुछ ना पूछे। बच गया। हेलो, टाइम कितना हुआ है? सर, आपसे पूछ रहा हूँ मैं, टाइम कितना हुआ है? क्या है बे ये? इससे अच्छी घड़ी मैं पहन सकता हूँ अगर मुझे टाइम देखना आता तो। तू मुझे मुंह खोल के बताना। अरे मुंह खोलना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अरे सर, आप मुंह खोल के बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना, टाइम कितना हुआ है? अरे 10:10 हुआ है। सुन, धीमे बोलकर एक बार बोल, मुझे सुनाई देता है। 10:10 हुआ है। मैंने तुझे पूछा क्या रास्कल? मैंने इन सर से पूछा था, सर आप मुंह खोल के बताओ ना टाइम कितना हुआ है। सीक्रेट है, कान में बोल दो, कान में बोलो, लो 10:10। अरे तेरी तो क्या रे, कान में थूकेगा क्या? तेज बोलना, ये ऐसे नहीं जाएगा, बता दो। बताओ।
अरे टाइम पूछा है, कहाँ ले जा रहा है? कुछ भी बोलता है ये। अब बता टाइम क्या हुआ? सुबह सुबह पी के ना कह रहा है। पी रहा था। 10:11। आज मैं रास्कल, तू औरतों की आवाज में बोलकर चिढ़ा रहा है। मैंने पिया नहीं है रास्कल, चिढ़ा रहा है मुझे। अरे मेरी बात सुनो, यही मेरी ओरिजिनल आवाज है। सही है सही है, देख तो जरा, दबंग जैसा शरीर है और चिड़िया जैसी आवाज, कोयल कहीं का। पता ही नहीं कहाँ जाना है, बोलो तो कहाँ अंतरिक्ष में जाना है। उसके लिए रॉकेट चाहिए। टिकट पूछे तो सब ऐसे ही बकवास करते हैं, मुंह ही नहीं खुलते इन लोगों का। मुंह नहीं खोलेगा, मुंह खोलेगा तो कोयल की बोली है कोयल की। अच्छा तो ये बात है, ये ले भाई ये ले। हाँ टिकट 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 दिखाओ, एक जन को धीरे 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 उतरो 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 आराम से। चलो 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 आजा आजा स्कूल स्कूल स्कूल, एक आंटी को उतरना था, उतरो उतरो। आंटी किसे बोलता है, आंटी तेरी माँ होगी। चलो चलो। छे आंटी सो गई क्या, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। बेटा टाइम क्या हुआ है? टाइम ना बता था। ये लो। कैसा पागल है। मुझे कभी चिढ़ाया ना तो मैं दोबारा कभी स्कूल में नहीं आऊँगा। टीचर टीचर की शादी का कुछ फिक्स हुआ क्या? सर कहाँ है? अच्छा हुआ, वो परेशान मत हो ना, सब ठीक हो जाएगा। टीचर का फर्स्ट पीरियड फ्री है ना, ऑफिस में आओ, फ्री है तो आपस में बैठ के हम साथ में घर घर खेलते हैं। बोलो आओ कि ना। नहीं सर जी, बच्चों का पेपर चेक करना है। बच्चों को भी पेपर लिखने का मन कब हुआ ये तो। मास्टर साहब। टीचर। हेडमास्टर मैंने आपको कितनी बार बोला है, इस बेल पर आप इस तरह से लटका मत कीजिए। छेड़ नहीं रहा था मैं, वो तो टीचर से कवर किए हुए पोर्शन के बारे में पूछ रहा था कि कितना हुआ है। मैं तो कब से देख रहा हूँ कि आप पोर्शन कवर पूछते ही रहते हैं। वक्त हो गया बेल बजाओ। घोड़ी घोड़ी लाल लगा। ठीक है तो बताओ भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? टाइगर। ओके भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? कोयल। कोयल? नहीं सर ये रहा कोयल। कोयल तेरा बाप होगा। ए उन्नी बैठो नीचे। यहाँ साइन कीजिए सर। क्लास से जब तू बाहर आएगा ना तब तुझे देखता हूँ मैं, आपको नहीं सर। सर ये देखी। उन्नी कृष्णा बैठ जा। क्या हुआ तेरी शादी का, कुछ फाइनल हुआ कि नहीं? होगा होगा फाइनल क्रिकेट का होगा और हम सब साथ में चलेंगे। ये चिड़िया जैसी आवाज के साथ इसको कौन लड़की देगा, बीवी के सामने डटे रहने के लिए मर्दानी आवाज होनी चाहिए। पता है सर जब अपनी पत्नी के सामने जाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, डायपर चाहिए होता है, क्योंकि उनके डांटते ही ये तो पेशाब कर देते हैं। इसको लड़की नहीं मिली ये प्रॉब्लम नहीं है, लड़की के वहाँ जाकर इसको वहां पर मुंह खोलना पड़ेगा और वहां इसकी आवाज सुनते ही सब खत्म हो जाएगा, है ना उन्नी? तुम ऐसे जाओगे तो शादी कैसे करोगे? अरे मैडम इन्हें ऐसे मत चिढ़ाइए ना, हर चीज का एक वक्त होता है। 200 लड़के देखने के बाद आपको एक नमूना टीचर ही मिला ना, लेकिन इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना मैडम। ये आने वाले संडे को यूनी को लेकर लड़की देखने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा एजेंट नहीं है, बड़ा एजेंट है जो इसके लिए लड़की ढूंढ रहा है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, 1000 क्लाइंट्स की लिस्ट है उसके पास। पॉजिटिव मैरिज ब्यूरो मैनेजिंग डायरेक्टर द्रव्या। तिरछिया को कोना देखे तो ये सुंदर है, बाहर निकलते दांत पे रस्सी बांधे तो और सुंदर लगे, कान में अगर ईयरफोन लगा दे तो सुनाई भी देगा, फिर इस लड़की में दिक्कत क्या है? शादी से पहले माँ बन सकती है ये साबित कर दिया, गुड गर्ल। ये ऐसे दो जगह डिवाइड क्यों कर रहे हैं? ये नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है, गलतियां और कमियों का अखंड सागर। इनके पास तो पैसे भी नहीं है, अब चाहे जो हो इन्हीं में से एक उन्नी के लिए भी ढूंढनी पड़ेगी। अ हैंडीकैप्ड एक्सेरेस। मिसेस सुमन गाला 28 साल, ये उसके लिए सही रहेगी। हाँ
कैसे निकलती है शादी करवाने की। मिल गई मिसेज उन्नी को, ढूंढ निकाला मैंने। हेलो हेलो मरियम अनर्स, ये मैं हूँ पपत। डोकोमो डोकोमो, गुस्सा मत करो ना डार्लिंग, लिपस्टिक निकल सकती है ना, हम साथ में घूमने जाएंगे ना, पहले बीच पे पिक्चर देखने फिर आइसक्रीम खाने, उसमें क्या, अभी तो दो सिम का जमाना है ना, एक घर वाली के लिए एक बाहर वाली के लिए। अच्छा है अच्छा है, सुपर है। हट, ये पुराना है, नया स्टॉक नहीं है क्या? वो अच्छा है, सही है, तू भी ना। बताओ बताओ बताओ, क्यों हंस रहे हो, बताओ ना मुझे, बताओ। मोबाइल फोन जोक्स बहुत मस्त है। अच्छा सुना? सुनो सच के भगवान, इसको नया वाला सुना है शायद। शिवा 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 शिवा, कितने गंदे जोक्स हैं। और भी है, कैसा लगा, मस्त है ना? कितने गंदे जोक्स हैं, मोबाइल जोक्स। ए, गंदा तो नहीं है, मैंने भी सुना है ना। मेरा फोन ऑफ हो गया क्या? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? लड़कियों से फोन पे गालियां खाता है, इतनी गालियां खा के तो कोई भी सुधर जाता है। क्या है इतनी तकलीफ? हाँ है? सबसे अच्छा होता है डिजिटल फ्लैट होना, रास्ते पे रुकना ही नहीं पड़ता, शक्ल नहीं दिखानी पड़ती, और धूप से भी बच जाते हैं, भाई लोग से डरने की जरूरत नहीं, मार भी खाने का डर नहीं रहता, फोन उठाओ और एक क्लिक करो, लड़कियां लाइन लगाती हैं हजारों। स्लिम ब्यूटी नहीं, सुपर ब्यूटी, वही होगी मेरी फ्यूचर वाइफ, तू देखना जिंदगी बदलने में बस कुछ वक्त की देर है बेटा, देखना तू। बस डर इसी बात का है कि घर वाले तुझे ढूंढ कर तेरा टावर न तोड़ दें। तू आया क्यों ये बता? कल उन्नी के लिए एक लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, तो तू उसके बगल में ही बैठना, तू उसके बगल में बैठ, बस उसकी शादी ना हो जाए तो कहना। वो कैसे होगा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अगर वो तेरी ये घटिया शक्ल देखेगी ना, तो सोचेगी कि उन्नी तुझसे तो बेहतर ही है, तेरे जैसे अंधेरे से दूर रहने के लिए वो कितनी भी गंदी आवाज सहने के लिए तैयार रहेगी। वो सुना है ना तूने कि कीचड़ चाहे जितना हो, कमल उसी के अंदर खिलता है। चल पागल, ऐसे पागल बना के मेरी शादी मत करवा, चल उठ यहां से, उठ उठ निकल। ओ शांति का मैसेज आया, पैसे जाएंगे भी तो चलेगा, कॉल करता हूँ इसको। हेलो ऑटो शांति है ना? है, ये मैं हूँ पप्पन, डोकोमो डोकोमो। आपको मिलने के लिए मेरा मन तरस रहा है। सच बोल रही हो तुम शांति? मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम पे। ये संडे मैं घर पे अकेली ही हूँ, आओगे ना? आता हूँ डार्लिंग, जरूर आऊंगा। थैंक यू। बस यही रो, चलो आ गए वो। नमस्ते 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 जी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, अंदर आइए। बोला तो था आएंगे, हमने सोचा नहीं आएंगे, लेकिन आ गया। अब बिना ठंडी के थोड़ी ना चलेगा। सही बात है। नाम क्या है? उन्नी कृष्णन। कहाँ तक पढ़े हो? बीकॉम फर्स्ट क्लास। ओहो, स्कूल में सिपाही हो ना? सिपाही है तो क्या हुआ, अब आपने सुना नहीं कि हमारे इंडिया को आजादी सिपाही लोगों ने ही दिलवाई है? आपने सुना है ना, सिपाही मेला। प्योन होने का फायदा, टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब बिना टैक्स को दिए पैसा इस्तेमाल करना मुकेश अंबानी से भी नहीं होगा, और तो और अनिल अंबानी से भी नहीं होगा, रतन टाटा से होगा, आपको क्या लगता है, इनसे भी नहीं होगा। चलिए हम चाय पीते हैं। उन्नी तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? शर्म से, ये बंदा बहुत शर्मीला है, वो इसलिए। मेरी हालत क्या है मैं आपको कैसे बताऊं? हे भगवान, बस मुझे इसके सामने बुलवाना मत। अभी आप लोगों को आपस में कुछ बात करनी है तो कर लो। ए, उसकी जरूरत नहीं है, शादी से पहले लड़का लड़की की बात करने का रिवाज इनमें नहीं है, बड़े घर के हैं ना ये लोग, इन लोगों में ऐसा नहीं चलता है। अरे, इसके पिताजी इसकी माताजी से इसके पैदा होने के वक्त पहली बार बात किया होगा, वो भी सिर्फ ये पूछने के लिए कि लड़का ही हुआ है ना, और कुछ तो नहीं। सुनिए यहाँ आइए जरा। अरे आजकल के बच्चे ना, पर्सनली बात करनी है मेरी बेटी को उन्नी कृष्णा से। पर्सनली बात शादी के बाद भी तो कर सकती है, तो मैं उसके सामने क्या बोलूंगा।
जाते हैं हम। ये भी खत्म हुआ शायद। क्या हुआ भाई? फैसला हो गया, गाड़ी स्टार्ट कर। चालू करने के लिए मैंने बंद ही नहीं किया था। आपका नाम क्या है? मेरे उन्नी, तेरे 15 साल की उम्र से तू मेरे पास ऐसे ही मुंह खोल के हिप्पोपोटेमस की तरह बैठा रहता है, मेरी आवाज बदल दो करके। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके बारे में। करेक्ट, खुद की बीवी को भी डॉक्टर ने इतना नहीं देखा होगा। उस दिन से अगर मैं हर एक विजिट पे मैंने फीस लिया होता ना, तो आज मेरे पास मर्सिडीज बेंज हो सकती थी। अचानक से ऐसा क्या हो गया तुझे? आज इसने एक लड़की की आवाज सुन ली। लड़की की आवाज सुनने? हाँ, वो हमारे यहाँ लड़की देखने की रस्म होती है ना, इसको इसकी आवाज लड़की को सुनानी थी, तो इसने लड़की की आवाज सुन ली। सुर और ताल बदल गया। लड़की की आवाज शक्ति कपूर जैसी थी। एक ऑपरेशन करके इन दोनों की आवाज आपस में बदल देते हैं तो शादी हो सकती है। तो फिर क्या बोलते हैं सर आप? अरे उन्नी कृष्णा, आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी सब करने के पीछे आवाज के लिए कितने रुपए लगवाए होंगे तुमने, कुछ पता है? बता सकते हो क्या मुझे? देखिए डॉक्टर साहब, प्लीज आप मेरी परेशानी को समझिए प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, हम डॉक्टर से बात करते हैं। एक मिनट तुम बाहर जाओ, जरा जाओ जाओ। ओके डॉक्टर, उसकी आवाज इलाज से भी नहीं बदलेगी, आपको ये सब पता तो है ना सर। उसको भी इसकी उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी हर बार आपसे मिलने के लिए आता रहता है। उसका मन दुखता है इसलिए बार बार यहाँ आता है। अरे वो अपना कैसा है कि अपना मन दुखता है तो 2 पैग लगा लेते हैं, उसको दुखता है तो वो आपके पास आकर दवाई ले लेता है, और दोनों ही वेस्ट है। कंटिन्यू। फायदा नहीं होगा मालूम है, फिर भी डॉक्टर हर बार आप उसको हमेशा कुछ ना कुछ एडवाइस करते हो। सर ऐसे उसके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है, वैसे ही इस बार भी उसका मन हल्का करना है सर। मैं करता हूँ कुछ। उन्हें किस तरह? उसको बस उम्मीद दीजिए। उन्नी कृष्णा, गाने की प्रैक्टिस किया है? कोई बड़ी नदी में या तालाब में गले तक सुबह सुबह डूबकर प्रैक्टिस करना है। गाने की प्रैक्टिस करने से काफी फायदे होते हैं, नए स्टडीज ने बताया है ऐसा। हम एक बार कोशिश करके देखते हैं इसे। थैंक यू, अब ये सब करके मैं अपनी आवाज बदल सकता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कल के पेपर की ताजा खबर, बेसुरा गाना सुनकर मछलियों ने की खुदकुशी, मुजरिम को पुलिस ढूंढ रही है। मास्टर साहब। अरे सर, स्कूल में बहुत ज्यादा थककर सो गए हैं, कल सुबह मंदिर का घंटा बजेगा तो उठकर चले जाएंगे। ससरे 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 बेटा, तेरा ये गाना वगैरह सब सही है, लेकिन तालाब के अंदर बहुत सी मछलियाँ हैं, तू अपना सुर और ताल सब कुछ बचा बचा कर गा। सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी। पानी नहीं, समुंदर है समुंदर। मैं नहा चुका है तो जल्दी से बाहर आ जाना। चल भाग यहाँ से काली भैंसे। मेरी बीवी ने मुझे बुलाया। अच्छा, स्कूल के बच्चे ही नहीं, तुम्हारी बीवी भी इसी नाम से बुलाती है। तालाब के पास घर है उसका, ऐसा बोली वो। इसमें कौन सा ऑटो शांति का घर है? ऑटो तो खड़ा ही होगा ना उसके घर के बाहर, देखते हैं कौन है वहाँ। ला 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 ला, लड़की मिलेगी, मजा आएगा। ऑटो शांति सामने घर है, यही ऑटो शांति का घर है पक्का। चलो जाते हैं। बैक इंजन अच्छा खासा पुलिंग होगा। मेरी शांति, अरे बाप रे, मेरी शांति की सीट है ये तो लगता है। हाँ फोन कर रानी, रजनी, रेणुका, शांति और शांति। हेलो शांति, मैं आ गया हूँ। तू आ गया है? मैं आती हूँ अभी। आज उसकी सारी तकलीफें दूर करता हूँ, दरवाजा खोल। हाँ। तो मस्त हो जा रहा है, कोई नहीं देखेगा। शांति शांति, मैं आ गया हूँ, इतनी देर क्यों? रुक, तुझे बोल रहा हूँ रुक, मेरी बीवी से बात करता है। अरे चल ना, क्या कर रहा है, जल्दी पकड़। अरे पकड़ो,
शायद इसे शौक लग गया है। बचेगा नहीं। क्या डॉक्टर, मैं मर जाऊंगा क्या डॉक्टर? वो नहीं, ऐसे कांपते रहोगे तो इंजेक्शन नहीं लगा पाएंगे। बहुत ही सीरियस है, संभालना पड़ेगा। अच्छा, कल क्या देख लिया तूने मंदिर के तालाब में? मैंने तालाब के अंदर क्या देखा क्या बताऊं? वहाँ पर एक आदमी अंदर कुछ चिल्ला रहा था, पता नहीं क्या चिल्ला रहा था, और अचानक से टॉर्च की रोशनी। वो किस लिए? अरे वो शायद पावर कट के टाइम बिना लाइट के पैदा हुआ राक्षस होगा ना। हाँ सही कहा। हमारे वहाँ की नैना पेट भरे बच्चे के साथ डूब मरी थी। वो नारायण ही होंगे पक्का। कल आधी रात को मंदिर के तालाब से औरत के स्वर में गाना सुनाई दिया। वो तो शुक्रवार था इसलिए मैं बाहर नहीं आया था, और साथ में बाकी के दो राक्षस। वो नारायण के बच्चे होंगे, मरते समय पेट में थे ना वो। सच बोले तो नैना ने अपना कवच तोड़ दिया था ना पंडित। अभी तो पूजा हवन सब कुछ कराना पड़ेगा। ऐसा है तो वक्त कम है, जल्द से जल्द कलेक्शन करना पड़ेगा। हम तो चलते हैं, कमिटी बैठाना पड़ेगा ना। चलता हूँ मैं। ठीक है, हम लोग चलते है। हम डॉक्टर से मिल के आते हैं, रुको। देख मेरी बात सुन, अगर तेरी शादी नहीं हुई ना तो ये गांव घोस्ट टाउन कंट्री हो जाएगा, इसीलिए मैंने एक रास्ता ढूंढा है। अगर हम लोग उस डॉक्टर से एक बार नहीं नहीं तो... वो कोई और नया आइडिया बताएगा। ये लो, ये नया सिम कार्ड है, मैं टाउन से लेकर आया हूँ। पेपर में जब तेरी शादी का इश्तिहार देंगे ना, ये नया नंबर डालेंगे, जिनकी इच्छा होगी वो कॉल करेगा, उसमें अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढ निकालेंगे। तेरा ओल्ड नंबर दिया तो लोग तुझे पहचान जाएंगे, इसलिए द्रव्यन ने नया सिम लिया है, समझ गया तू? फिलहाल के लिए ये नंबर तू किसी को दे मत, समझ गया ना तू? हाँ, समझ गया। तुम घबराना मत, तेरी बीवी अब तुझे ढूंढते हुए आई है। लॉटरी ले लो, कोयल 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 कन्या लॉटरी, कोयल कन्या और कनका धारा है, आज आपका नसीब होगा ही। लेकर देखो कैसे लॉटरी बेच रहा है। क्या भाई, क्या देख रहे हो? कोयल नहीं तो कनका ले लो। मुझे तुम्हारी लॉटरी नहीं चाहिए। ये तो असली कोयल निकली। कल है रिजल्ट। लगता है ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे। नया नंबर तो किसी को दिया नहीं, फिर किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो, देसी हो? नहीं, सॉरी, गलती से लग गया होगा, रॉन्ग नंबर है। अगर इसकी डिटेल्स मुझे मिल जाती तो मैं अपने ब्रोकर श्यामलाल को बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही समय पर कॉल आ गया। हेलो हेलो, मैं वही हूँ, रॉन्ग नंबर। बात हो गई है तो पहचान ही कर लेते हैं ना। अगर वापस से गलती से लगा तो इस बार रॉन्ग नंबर नहीं होगा ना फिर से। मेरा नाम पपन है, डोकोम पपन, ऐसे बोलोगे तो सब जानते हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, मेरा नंबर कहाँ से आया? ये बता तुझे क्या चाहिए? नाम फिलहाल के लिए सिर्फ नाम जानना है। मेरा नाम है बाला मनी, समझ गए? बाला मनी, मुझे बस इतना ही चाहिए था बस। वो लड़की कहाँ गई? पागल पप्पन, तेरी तो मैं नाम फिलहाल के लिए केवल आपका नाम जानना है। नो थैंक्स, बच गया। सच कहूँ तो अम्बालापट से रिश्ता आया है सुन के आई एम वेरी एक्साइटेड, लेकिन लड़की गूंगी है पता चला तो? हमारे खानदान में ऐसा कोई भी नहीं है, लेकिन ये बहू बनके हमारे घर पे आएगी ना, मिस्टर रवि ने ये रिश्ता लाया है तो हम ठुकरा भी नहीं सकते। आई रियली अप्रिशिएट माई सन, इतने बड़े सेक्रीफाइस आजकल के जमाने में कोई विलिंगली नहीं करता, आई एम श्योर। मिस्टर माधवन, आपके टाउन में 1.5 एकड़ जमीन हमने देखा है, सरकार ने ही सेंट का 10 लाख रुपए भाव रखा है, रियली गुड प्लेस। वहां हम मिलके एक 5-स्टार होटल बनाते हैं, मिस्टर रवि भी उसमें पार्टनर बन सकते हैं। शादी के पहले ही उस जमीन का सारा डीलिंग हो जाना चाहिए, आई मीन इन टर्म्स ऑफ शेयर, नहीं तो फिर वैसे भी
गूंगी लड़की के लिए मेरे बेटे के सैक्रिफाइस के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। उठिए आप। क्या? मुझे ये प्रपोजल मंजूर नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। क्या है ये? द्रव्यन, हाँ, तुम कल मेरे ऑफिस में आ जाओ। क्यों सर? क्योंकि तुम्हें एक अवार्ड देना है। ओके सर। जो भी हो ये आपने गलत किया सर। अंकल ने क्या गलत बोला? खुद की बेटी है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ठीक हो सकती है। इस गुंगी से शादी करने के लिए रेडी हुए वो ही बड़ी बात है, इसलिए उनके डिमांड हमें अग्री करने ही पड़ेंगे। दौलत ना बांटने के लिए ऐसा करोगे तो? दौलत को लेकर मुझे दिक्कत है ही, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दौलत है मेरी बेटी। तुम ऐसे लोगों के रिश्ते लाते हो जो पैसों के पीछे पड़े हुए हैं, मुझे वो मंजूर नहीं। जो उससे प्यार करे मैं उसी से उसकी शादी करवाऊंगा, फिर वो चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो। ऐसे जिद पकड़े रहोगे तो बुढ़ापे तक यहीं रहेगी वो। वो मैं देख लूंगा, मेरे मरने तक मैं उसे संभाल लूंगा। मेरे मरने के बाद भी वो खुशी खुशी जिए, इतनी दौलत तो मैंने कमा के रखी है। इस बीच उसकी शादी नहीं हुई तो मैं समझूंगा ये उसका नसीब है। जो भी हो, शादी के मार्केट में एक मटेरियल जैसा मैं उसे बेचना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। ये बात तय है, और उसके लिए कोई यहाँ व्रत रखने की जरूरत नहीं। सच बताओ, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि मैंने कुछ गलत किया? तुझसे जो दिल से प्यार करे ऐसा कोई तेरे लिए ढूंढूंगा। उसके लिए तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। हमेशा वो रहेगा ना मेरे साथ? Come in, sir. Come in. बैठो। एक अवार्ड देंगे सर, आपने बोला था। जैसे रिश्ते तुम लाते हो हमारे पास, उसके लिए पेवार्ड देना चाहिए। मैं समझ गया था सर। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे लालची लोगों का प्रपोजल तुम हमारे पास कैसे ला सकते हो? अरे सर, इसके पीछे मैं नहीं हूं। ये आपका साला और आपका बेटा इनको लेकर आया था, मैं तो बस उनके साथ में चला आया था सर। सच में मेरा भरोसा करिए। और सर, आपने जैसा बोला था वैसे अच्छे और प्यारे मस्त लड़के हैं, लेकिन सर बस आपको थोड़ा सा सबर करके थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्या मतलब? खर्चा कम होगा आपका। ये प्यार का सोर्स बढ़ाते ही इनकम सोर्स कम हो जाती है, इनकम सोर्स बढ़ते ही प्यार का सोर्स कम होता है। यही है उसके पीछे का डकवर्थ लेविस नियम। पैसे बनाने हैं तो बना सकते हो, लेकिन ये खानदान, प्यार, रिश्ते ये ऐसे नहीं बनते, ये पैदाइशी होने चाहिए। तुम्हारे इस लिस्ट में कोई अच्छा लड़का है कि नहीं? ऐसे पूछोगे तो जी हाँ सर, एक बहुत मस्त लड़का है, रिश्तों के पंखे जैसा, प्यार की हवा है वो। हवा कौन है वो? वो गाना गा सकता है, लेकिन AR रहमान नहीं है। ज्यादा बोलता भी नहीं है, लेकिन गूंगा नहीं है। तुम्हारी शायरी की दुकान बंद करो। शायर से भी बहुत बेकार कहानी है सर। नाम है उन्नी कृष्णन, एक स्कूल टीचर का बेटा है, बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का है, स्कूल में पियून है, घंटा प्रेमी है, वही है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड। फिर भी अगर कुछ गलत सलत बोलने का होता तो मैं बोल देता हूँ, उसका एम्पलीफायर थोड़ा सा खराब है। नहीं समझा। उसके मन के जैसी एकदम उसकी आवाज भी है सर, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, बिल्कुल शिकारी के तोते जैसा, मन से भरी कोयल की बोली, और शादी के बाद बात करने वाली मुखिया भी है ना। क्या हुआ है, बात करते समय कुछ तकलीफ है? थोड़ा सा। मेरी नजर में ये सही होगा शायद, उसमें कुछ कमी रहेगी तो वो गौरी को अच्छे से समझ पाएगा। जो भी हो उसे आके मिलने बोलो, हम देखते हैं। अब जाओ तो। ओके। क्या बताऊं उन्नी की माँ, पैर हिलाने को नहीं होता है, पूरा दर्द होता है घुटने के नीचे। तुम्हें तो घुटने पे ना, मेरे तो पूरे पैर में। अरे उसकी लॉटरी लगी है, कनक धारा। अरे वो कहाँ है, उसको जल्दी से बुलाओ। सही क्या? सच कहा है, मिनिमम 101 तोला है, कैश प्राइस अलग से।
भैया भैया आप लॉटरी जीत गए। पर मैंने तो लिया ही नहीं था। हाँ नहीं लिया तब भी जीतोगे, वो लॉटरी है। वक्त आने पर भगवान ऐसी लॉटरी खुद निकाल देते हैं। ये रही वो लॉटरी, कुंडली और डिटेल तेरे हाथ की लकीरों को बदल दे, वो कुंडली है ये। ओह शादी की बात। इस बेवकूफ की वजह से मेरा घड़ा भी टूट गया। अम्बलपट फैमिली के बारे में सुना है? छोड़ो अम्बलपट कंस्ट्रक्शन वो भी छोड़ो, इसी ने तो एक रियलिटी शो में एक छोटी सिंगर बच्ची को जीतने पे एक फ्लैट गिफ्ट किया था। इधर आने जरा। उस दिन मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना। कौन सी लड़की? जो म्यूजिक शॉप में थी। अबे दूर की ऐश्वर्या राय से अच्छी है अपने पास की रीमा लांबा को छोड़, इसको पकड़ना। कुंडली मिलाकर देखा था 10 में 8 अच्छा है, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन बड़े खानदान से रिश्ता बोले तो? अगर वो बड़े खानदान में पैदा हुई तो उसकी क्या गलती है माची? उनके पास जो धन दौलत आया है उसको आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी, और एक छोटे से झोपड़े में पैदा हुआ है माधव जी, और जो भी वो बना है वो अपने दम पर ही बना है। बहुत अच्छे दिल का इंसान है वो, अपने रास्ते को कभी भूलता नहीं है वो, और वैसे जल्दी भूलना भी नहीं चाहिए, इसीलिए भगवान ने उसको एक निशानी दी है। उस लड़की में एक कमी है बस। क्या क्या कमी है? बोल नहीं सकती, गूंगी है वो। अरे गूंगी है तो क्या हुआ, अपने पति से ऊंची आवाज में बात तो नहीं करेगी, दूसरे आदमियों से फ्लर्ट तो नहीं करेगी, सास से कभी लड़ने तो नहीं आएगी, मोबाइल तो लाइफ टाइम तक चाहिए ही नहीं। और तो और एक अच्छी लड़की हर इंसान की पत्नी बने, इसीलिए सब लोग पूजा भी करवाते हैं। इसी जमाने में तुझे एक गूंगी बीवी मिल रही है तो बहुत नसीब वाला है रे, बहुत नसीब वाला है, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन फिर भी अगर बोला गूंगी है तो? अबे वो कुछ बोलेगा नहीं इसीलिए तो उसको गूंगी बोलते हैं। अबे कधी तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? जब लड़की देखने के लिए जाते हो तो लड़की के साथ पर्सनल टॉक, अबे वही तो सब बिकाव देता है। इधर तो उसकी जरूरत ही नहीं है, अबे वो गूंगी है ना। लेकिन फिर भी तेरी जिंदगी का विलन तेरी आवाज है, और उसकी जिंदगी का विलन उसका गूंगापन है। नेगेटिव प्लस नेगेटिव बराबर पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब है? अरे यार उसका राजा तो ही होगा, यही है उसका मतलब। वो बिल्कुल नहीं बोल सकती लेकिन उसके सामने थोड़ा तू तो बोल सकता है, इसीलिए तो उसका राजा है, इसीलिए वो तुझसे प्यार करेगी और रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि उसके पास पैसा है। उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, तेरे पास है क्या? लेकिन बेसरी आवाज है, उसके पास शब्द नहीं है, शब्द नहीं है इसलिए दैट इज साउंड फाइनेंस। तो ये ओके है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? ये भगवान का खेल है, लेकिन वो बड़े घर की लड़की है, मतलब अकड़ भी रहेगी, हम सब में घुलना मिलना मुश्किल होगा उसके लिए। दिखने में सुंदर है लेकिन है तो बड़े घर की ना। ये जो चेहरा होता है ना वो मन का आईना होता है, इतनी सुशील दिखने वाली लड़की के चेहरे पे देख के माँ जी आप कैसे बोल सकते हैं कि उसके घुसंड है, मतलब घमंड है। हाय कितनी खूबसूरत है, देखो भैया देखो। ये भी गुना हो गया क्या? मुझे ये लड़की पसंद है। कौन से स्कूल में काम करते हो? देव माता स्कूल में, बड़ा स्कूल है ना। कितना भी बड़ा स्कूल हो प्यून हमेशा प्यून ही रहता है। इतने कम सैलरी में तुम लोग कैसे जियोगे? एक महीने का मेरा मोबाइल का बिल भी इससे ज्यादा होता है। तो फिर बेटी को बुलाता हूँ। गौरी लड़की से ना अकेले में कुछ बात करनी है। पर्सनालिटी खराब मत कर। ऐसा नहीं है, उसे मेरी आवाज पसंद तो आनी चाहिए ना। फिर पसंद तो आएगी ना, अमरीश पुरी की आवाज है ना तेरी, कुछ भी रहेगा वो अपने पापा से बोलेगी तू अभी चुप बैठ, वही सही है, नहीं तो नहीं। क्या खुसुर फुसुर चल रही है? वो क्या है ना कि लड़के को लड़की पसंद आ गई है। तो अंदर जा पापा, आप यहाँ उतर जरा। अंदर चलो। एक मिनट भगवान को याद कर लो। आप क्या सोच रहे हैं, फूटी कौड़ी की औकात नहीं है, उसके साथ शादी करोगे इसकी? कैसा लड़का है वो,
स्कूल का सिपाही लोगों को क्या जवाब देंगे, ऊपर से आवाज भी कोयल जैसी। उन लोग इतनी देर तक क्या बातें कर रहे हैं? तू ज्यादा खाई मत कर, एक लड़की के भविष्य का सवाल है, फैसला करने में थोड़ा टाइम लगता है, 20-25 साल पाला है, ऐसे ही थोड़ी ना देंगे किसी को। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं जाता हूँ, देखकर आता हूँ, तू यहीं रुक। पैसे नहीं है, आवाज तो ठीक होती पर वो भी नहीं, हमारे स्टेटस के हिसाब से रिश्ता लगता है क्या आपको ये? वो तो अपने साइड से। अब ज्यादा वक्त बिठा के मत रखो, कुछ बोल के अवॉइड करो। ड्राइवर यहाँ फैसला हो गया, गाड़ी चालू कर। गाड़ी चालू करके फर्स्ट गियर डाल के ही रखा हूँ। क्या हुआ? ये बातचीत करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी ट्राई कर लो। ये शादी भी कैंसिल। वो क्यों? अरे यहाँ बिल्ली की आंख वाला वो बैठा था ना, वो लड़की के पापा की पहली बीवी का लड़का है, वो है इस घर का शकुनी। देखो मुझे केवल यही लड़की चाहिए। अरे ये तू नहीं तय करेगा, वो तय करेंगे। हाँ तू इधर आ, ये केस तू छोड़, से शादी कौन करेगा, और कुछ पूछो तो उसमें एडवाइस भी नहीं दे सकती है, इससे भी अच्छी लड़की मैं तुझे ढूंढ के दूंगा, ये मेरा वादा, बस ब्रोकर मत बदलना। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस फैसले से नहीं हटूंगा, इस घर में सिर्फ मेरा फैसला चलेगा, रास आता है तो रहो वरना जा सकते हो। भाई प्लीज कुछ तो करो। इसकी हरकतों से कुछ उल्टा पुल्टा ही लग रहा है, अब मेरे लिए जर्नल वार्ड ही बुक करना पड़ेगा। तो आप लोग निकल रहे हो? ठीक है सर, एक मिनट। मैं क्या कहता हूँ, ये किस जाने दो, आपको दामाद बनाने के लिए एक सिपाही नहीं चाहिए ना, ये कोयल की बोली के साथ। अच्छे से अच्छा लड़का मैं आपके लिए लेके आता हूँ, बस ब्रोकर ये सब बदलना। तुम क्या बात कर रहे हो, ये रिश्ता मंजूर है मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सुन, मैं तुझे एक बात बताऊं क्या, तेरे लिए गूंगी सही है। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपको तो पता ही है मुझे और किसी पर भी भरोसा नहीं, आप ही देखकर बता दीजिए। गनम योनि यजुर महेंद्रम, इन दोनों के 10 में से 8 गुण मिलते हैं, अच्छी जोड़ी है। चौथे दिन में शुक्र दशा, सातवें में चंद्रमा, जन्मपत्री के हिसाब से अद्भुत योग है। योनि कृष्णन की कुंडली के हिसाब से लड़की को अवश्य कुछ अविश्वसनीय लाभ हो सकता है, कुछ रोक टोक जरूर है। हाँ उसके लिए उपाय बताते हैं। हाँ कुछ उपाय जरूर करने होंगे। हाँ हो जाएगा, ये लो पंडित जी। ओ सब हो जाएगा, भगवान पे भरोसा रखो। इनको क्या तकलीफ है क्या पता, किसी ज्योतिषी का सुन के अपनी बेटी की शादी करवाने चले, वो भी फूटी कौड़ी की औकात नहीं है उससे, रिश्ता आया तभी तोड़ देना चाहिए था, उस दिन मैं यहाँ नहीं था, जो हुआ वो हुआ, अब क्या करना है वो सोचो। क्या मतलब, मैं उसकी पहली बीवी का बेटा हूँ ना, माँ तो मर भी गई, अभी सारा सुख और खुशी दूसरी बीवी और लड़की को है, मुझे पहले से ही पसंद नहीं करते थे, जो लड़का है वो गरीब है और ये गूंगी, वसीयत के हिस्से करने में इंसानियत देखने लगे तो हम क्या करें। फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे, ये शादी होने दो, ये डूबती हुई नैया कहाँ तक जाती है हम भी देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 महीने, उसके बाद अपने आप डूब जाएगी, नहीं तो हम साथ मिलकर डुबा देंगे। इधर से चलो, अरे गाड़ी आ रही है, साइड हो जाओ। शादी से पहले अगर यहाँ मन्नत मांगोगे तो हमेशा जिंदगी भर खुश रहोगे, घर वाले तो बहुत मानते हैं, बाकी और कोई इरादा नहीं है। वो बोल रहा था कि शादी से पहले अगर उसने तुमसे बात नहीं की तो उसको नींद नहीं आएगी, इसीलिए मैं खुद यहाँ लेकर आ गया, उन्नी अंदर मंदिर में है, चली जाओ। ये खुल भी नहीं रहा है भगवान, ये डब्बे में क्या है, मुझे बंद कर दिया है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहा है, चल मुझे निकाल, चल जल्दी कर निकाल। अरे अभी तक आप निकली नहीं। मैं कैसे निकलू, दिखता नहीं, खोल इसे, जल्दी खोल, चल जल्दी उठा, बाहर निकलो।
तुम प्रार्थना करो बेटी, मुझे पंडित जी से कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। पंडित जी मुझे है? काम है आपसे। क्या है? मेरी एक दुश्मन है, वो बहुत कमीनी है। इसके दोनों पैर टूट जाने चाहिए, हाथ ऐसे टूट के ऐसे लटकना चाहिए, दोनों आंखें सड़ जानी चाहिए, सर पूरा फट जाना चाहिए, घर जल के बर्बाद हो जाना चाहिए। इन सब के लिए मुझे क्या क्रियाकर्म करना होगा पंडित? एक आध गली में जाके गुंडे मवालियों से मिलो, ये सब वो करेंगे। शादी से पहले एक बार लगकर मिलके बात करनी चाहिए। आपकी राय जाने बिना मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरी आवाज सुनकर लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं। मुझे बस ये जानना था कि आपको मेरी आवाज कैसी लगी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। तो गाड़ी निकालो क्या? कुछ उठो। शादी वाले दिन सारे लिफाफे खोल कर देखना गलत बात होती है ना? हाँ सही कहा तुमने। हाँ पारम परम बिल दामोदर, 100 रुपए, नहीं नहीं 101 रुपए। हाँ ये शादी तक जो संभाल के बचा के रखा है वो शादी होते ही टूट जाता है, और सब सही होने के लिए ऐसे बहुत कवर्स आने चाहिए। अरे ये कौन है? हाँ कुछ नहीं है, गरीब नगर के रामचंद्र, साला नाम जैसे ही गरीब है। कवर मतलब इसको बोलते हैं कवर। ये कवर मैंने मंडप में ही देख लिया था। ये कवर देख के मुझे ऐसा लगा इसमें बहुत कुछ होगा, तो मैंने उसे 7 ग्लास दूध पिला दिया। कवर के अंदर कवर, इसमें सरप्राइज होगा कुछ, खोल के देखता हूँ क्या है। इतना सरप्राइज इसमें, चेक जैसा लग रहा है। अरे ये तो स्टेट लॉटरी टिकट है, दाम 10 रुपए। लॉटरी लगे तो आधा मुझे देना यूनिकृष्णा मदाती परम बिल गोपाल जी। फुकट का 7 ग्लास दूध वेस्ट किया। देखिए देखो, केरला है ठीक है, भूटान होता तो किसी काम का नहीं था। हाँ मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफा, 1-1 50 रुपए डालते हो तो 500 रुपए चले जाते हैं। मुझे क्या हुआ, बिना नेटवर्क के मोबाइल जैसा दिख रहा है। वो मेरी फर्स्ट नाइट है ना, तो मुझे उसी की टेंशन। अरे तू किस बात की टेंशन ले रहा है, हमें देख और सीखना। अरे तो आज मेरी फर्स्ट नाइट है, तुम लोगों की थोड़ी है। ये रात जिंदगी में केवल एक बार ही आती है, ये गया तो मतलब सब गया। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी बात से दुखी हो जाए। अरे तो उसके लिए नींद की गोली खिलाओ उसको। ऐसी बात नहीं है, इस आवाज के साथ मैं अपनी सुहागरात को कैसे यादगार बनाऊंगा। बेटा सुहागरात यादगार ऐसे ही नहीं होती है, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है भाई। सही बोला, लेडीज को अच्छे से जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। लड़कियों को सरप्राइज पसंद होते हैं, साड़ी गिफ्ट करना, गोल्ड गिफ्ट करना, पिक्चर दिखाना। स्वागत है पिक्चर दिखाने का, अभी की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। फिर ये सब भूलकर बीवियाँ प्यार करती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। मैं अपनी इस आवाज के साथ उसे कैसे सरप्राइज दूंगा? ऐसे ही बात कर, सरप्राइज हो जाएगी। सही बोला ना, मेरे पास हर चीज का सलूशन है। डबिंग, डबिंग। जो लोग मलयालम नहीं जानते वो लोग एक्ट्रेस को आवाज देते हैं ना, वैसे हम भी तुझे उधार दे देंगे अपनी आवाज। तू सिर्फ होंठ हिलाना, ऐसे चलाना। तेरी सुहागरात से ही तेरी पहली डबिंग। ये अच्छा प्लान है।
बाप रे बच गया। डबिंग करना भी कितनी बड़ी बात है। ए भगवान, ये चाइना का माल है, मैंने जो डब किया है वो सुनाई देना चाहिए बस। इसे हरा देता हूँ। इतना समय निकल गया कि मैं ठीक से रिहर्सल भी नहीं कर पाया। हे भगवान, ये जो डबिंग की वो ठीक से हो जाए। आओ प्यारी। क्या माँ? बाजू वाली सरोजनी माँ ठीक नहीं है, बहुत कांप रही है, तू हॉस्पिटल लेके जा। हॉस्पिटल लेके अपने पड़ोस वाली सरोजनी जी को, वो भी इतनी रात में? अरे अच्छी बात है कि वो बुढ़िया मर जाए, क्योंकि उसी बुढ़िया ने जादू टोना करके मेरी शादी इतने दिनों से रोक रखी है। इसकी तो अगर वो नहीं मरेगी तो मैं मार दूंगा। माँ जाइए आप यहाँ से, जाइए, इन्हें भी अभी आना था। आइए बैठिए ना। ये कौन है? कौन? कोई नहीं है। अरे आप जाइए ना माँ, आप जाइए। वो दूध मुझे दीजिए। अरे दूध पूछ रहा है कोई? कोई दूध नहीं पूछा। आप यहाँ रुकेंगे तो ऐसे कुछ ना कुछ सुनाई देगा आपको। जाइए आप यहाँ से। रोज 9 बजे तक सो जाती है, लेकिन आज ही जगना जरूरी था क्या? बाकी आप पी लीजिए। अभी इसकी वजह से मेरी बैंड बच जाती। रिवाइंड कर देता हूँ। मैं फूल फैला देता हूँ। हे भगवान, कहीं वो पड़ोस की बूढ़ी औरत ना आ जाए इस वक्त। हे भगवान, दरवाजे पर केवल गौरी ही होनी चाहिए। जल्दी से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। बच गया। ये तो गौरी ही है। हे भगवान, ये टेप काम क्यों नहीं कर रहा? चाइना का सारा माल डुप्लीकेट ही होता है। अरे ये तो दूध का ग्लास टूट गया। ये क्या? आपने तो सारा पी लिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ा। ये रियल आवाज नहीं है, डब है। हर दिन मुझे एक ग्लास दूध दीजिएगा। वो ग्लास वहाँ पर रखो और मेरे पास आकर बैठो। वैसे आप लड़की माधुरी दीक्षित की तरह लगती है। वो मैं कांच का टुकड़ा धस गया। और मैं चाहता हूँ कि वो आज सुहाग रात है ना, तो मेरी आवाज कहीं आपका पूरा मूड ना खराब कर दी, इसीलिए मैंने सोचा कि डबिंग कर लेता हूँ मेरे मन की शांति के लिए। चार साल से बंद है ये रूम, झाड़ू मारने के लिए भी नहीं खोलते। तुमने बोला इसीलिए खोला ये रूम। गौरी को पता चलेगा ना, छोड़ेगी नहीं। कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है क्या? आओ देखो बेटा, ये गौरी के गाने का प्रैक्टिस रूम है, ये देखो। बचपन से लेकर कॉलेज तक गौरी बेटी के गाना गाकर जीते हुए प्राइज हैं ये सब। सारे कंपटीशन जीतती थी, बहुत ही अच्छा गाती थी। गाना? वो कैसे गाती थी? क्योंकि वो तो बोल ही नहीं सकती। कॉलेज के टाइम तक बात कर सकती थी ना, यही आने के बाद आवाज गई। उसी दिन से आज तक ये कमरा बंद है, पुरानी यादों को दफनाई हुई जगह है ये बेटी के लिए। मतलब वो पैदाशी गूंगी नहीं थी? नहीं तो बेटा, तुझे किसी ने कुछ भी नहीं बताया? मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगा सब द्रव्यन ने बता दिया होगा, कुछ छुपा के रखने का इरादा नहीं था मेरा। ये यादें अब इतनी कड़वी होगी, कुछ भी कर लो कभी भूल नहीं पाएंगी।
वो सब याद करके जिंदगी खराब ना हो इसलिए नहीं बताया, लेकिन अब बताना तो पड़ेगा ही। देखो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूं। ये है हरी, गौरी के मामा का लड़का, अभी अमेरिका में है। म्यूजिक डायरेक्टर बनना हरी का सबसे बड़ा सपना था। कॉलेज डेज के सेलिब्रेशन में उसे एक गाना गौरी से गवाना था, उसकी तैयारी भी की थी, लेकिन बहुत ऊंचाई छूने वाली हो तुम। कॉलेज के चार दीवारों के अंदर ही नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज, दुनिया पहचाने, उसके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। पता नहीं फादर। अच्छा फादर, आज कॉलेज डे है ना, सब दुनिया निकाल लेंगे क्या? ये अकल पढ़ाई में लगाओ। अच्छा कहाँ है तुम्हारे म्यूजिक कंपोजर हरी? इतनी देर से यहीं था फादर। रिहर्सल कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ठीक है फादर। रुको, उधर रिहर्सल चल रहा है, आप लोग उधर नहीं जा सकते। नमस्कार। नमस्कार। क्या है ये? जूनियर आशा जी का फोटो ले रहा था। मुझे नहीं पसंद, डिलीट करो। शांत हो जाओ बहन, ऐसे ही तो सोशलिज्म आएगा, समझी? दादागिरी मत करो, समझे? वो तो दिखाने जा रहा हूँ, ये पहले कंप्यूटर में डालूंगा, फिर तुम्हारा बॉडी चेंज करके मस्त एक न्यूड बॉडी लगाऊंगा। कुछ टाइम दो ना मुझे। रिलैक्स, मौका दूंगा तुम्हें सबके लिए। सर 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 सर, आपने वो जो फोटो खींचा वो पहले डिलीट कर दो। नहीं पहचाना, उसके मामा का लड़का। तुम मर्द है तो डिलीट करके दिखा। तुझे अभी जहां लात मिला वही तेरी मतदान की है, गया वो समझ ले। तुम सबको चाहिए क्या? चल निकल। एक फोन गया तो फिरोज को कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके सामने निकली मेरी इज्जत। क्या चाहिए? तू सिर्फ बोल। इसके लिए उसे पता लगना चाहिए हम कौन हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है? हरी, क्या कर रहे हैं ये लोग? कहाँ से आए? हरी, कोई रुको नहीं। अरे रुको, कहाँ से भाग? अरे चल चल चल। जोर से रोने की कोशिश की गौरी ने, पर उसकी आवाज हमेशा के लिए चली गई। बहुत इलाज किए, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन भगवान कुछ और ही चाहते थे। इस बारे में पूछकर उसे दुख मत देना। अरे अरे अरे, मारो मत, अरे लग रही है मेरे। अरे मैंने कोई गलती नहीं की है। तेरी आवाज में दम नहीं है, लेकिन मार में बराबर दम है। तुमने मुझे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बताया? हाँ, अरे मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। माधवन जी को मैं सिर्फ एक साल से ही जानता हूँ, तब से वो गूंगी है। अरे गूंगी को देखोगे तो टेम्परेरी है या परमानेंट है जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती मेरे भाई। हाँ। तू ज्यादा फिक्र मत कर, साथ पुश्ते बैठ कर खाएंगी। इतनी दौलत है माधव के पास, जिंदगी में उम्मीद की किरण कहीं ना कहीं होती है, लेकिन उसका इलाज वो बहुत करवा चुके हैं, लेकिन वो सही नहीं हुई ना। अभी तू कूद के खुद का ऑपरेशन करवाने मत चले जाना।
दुश्मन को भी ऐसे कभी मत मारना भाई। मैंने तेरी कितनी मदद करी लेकिन तूने कुत्ते की तरह मुझे मारा है। इससे अच्छा तो मैं चोरी करके अपनी जिंदगी बिता रहा होता कहीं पर। ए छोड़ मुझे। टपक गया। हेलो उनी उनी कृष्णा, मैं हरि। हाँ हरि ना, इधर क्यों खड़े होते? मैं अभी भी सरप्राइज्ड हूँ। तुम यहाँ पर आ रहे हो ये बताना तो चाहिए था ना। क्या हुआ, अमेरिका से परेशान है क्या? उस जगह से तो मैं परेशान हूँ ही, लेकिन अभी मैं किसी और कारण से आया हूँ। फिर? जानबूझकर नहीं, लेकिन मैं भी एक वजह हूँ उसकी आवाज खोने में। इसके जैसे सिंगर को इतना बड़ा पनिशमेंट मिला है ये मैं नहीं देख सकता, इसीलिए बिना सोचे समझे मैं दूसरे शहर चला गया और मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन वहां पर भी मैं शांति से नहीं रह पा रहा था। और मैं एक अच्छे डॉक्टर से मिला जो गौरी की आवाज को वापस ला सकता है और गौरी फिर से पहले जैसे गाने लगेगी। उस टाइम उसे सिर्फ एक मेंटल अटैक आया था और आज इसे एक मेजर सर्जरी की जरूरत है। इसकी कहानी सुनने के बाद डॉक्टर सिमोंस ने वादा किया है मुझसे, उस वादे पे भरोसा करना चाहिए हमें, क्योंकि कई साल पहले हमने हमारी प्यारी बेटी की आवाज खोई है। एक वक्त था जो इस घर में हर वक्त इसी की आवाज गूंजती थी और आने वाले समय में लाखों लोग उसके गाने सुनने वाले थे। वो सब हमें वापस चाहिए अंकल। हरी, इसको अमेरिका ले जाने दीजिए, इसे अपना पुराना गौरी बना के वापस लौटूंगा। सुन, तू ही होगा उन सभी का राजा। बिल्कुल बोल नहीं सकती उन सबके सामने, थोड़ा तो बोलने वाला तू ही है राजा। अब तू ही बता कितना समझाऊं तुझे। उन्नी कृष्णा, उन्नी कृष्णा, अरे पानी तो दो थोड़ा। हाँ पानी तो, पानी तो। उन्नी, 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 उन्हीं। गौरी की आवाज वापस आ सकती है, इसी खुशी के मारे मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। इतना ही ना, डरा दिया तुमने तो। मैं खुशी के मारे सही से बैठ भी नहीं पा रहा। वहाँ बैठो। अरे इनकी आवाज ऐसी क्यों हो गई? वो तो पैदाइशी इसकी आवाज ऐसी है ना। नरेंद्र, हरि, चलो खाना खाते हैं, आओ। चलो चलो, मुझे अपनी बेटी का फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। मैं उसका पिता हूं, मुझे ही ये देखना होगा ना। जो दिल से उससे प्यार करे, बस वही सोचा मैंने। आपने बहुत बड़ी बेवकूफी की, यही कहूंगा मैं। मजे तो उसके है, खूबसूरत लड़की भी मिली और बेशुमार दौलत भी। उसका जो प्रॉब्लम है वो भी अभी सॉल्व हो जाएगा। वैसे भी उसकी लाइफ का वो कोयल स्वर वाला प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व हो सकता है क्या? वो पुराने दोस्त का वापस आना, आवाज का वापस लाना, सब बहुत डेंजरस है। ये सेहत के लिए हानिकारक है। गूंगी होने के एक ही कारण से इसकी शादी उससे करवाइए। वो हथियार अगर गिर गया तो इसका क्या हाल होगा? तू उदास मत हो, शादी हो जाने के बाद पति और पत्नी एक ही हो जाते हैं। कमी और दुख के लिए कोई जगह नहीं बचती है। मेरे सरजी ये सब बच्चों को क्लास में सिखा सकते हैं। लड़कियों का मन है, कब झूलने लगेगा क्या पता। ड्राइवर भाई सही बोले, विकलांग विकलांग से शादी करेगा, कलाकार कलाकार से, सिनेमा हीरो हीरोइन से, डॉक्टर डॉक्टर से। शादी का फंडा ही ऐसे सब बातों में ही है। वही तो, बैलेंस बिगड़ गया तो? बैलेंस बिगड़ेगा। कई साल पहले हमारे यहाँ शारदा की शादी के बाद उसका पति जब गंजा होने लगा था तो उसकी पत्नी एक हिप्पी के साथ भाग गई थी ना। वो भी छोड़ो, एक एक्सीडेंट में अपने दोस्त सोमन का पैर चला गया था तो उसकी बीवी उसको छोड़कर ऑटो वाले के साथ भाग गई थी। ऐसे बहुत एग्जांपल हैं, बताओ कितने दूं मैं। ये जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा ही हो द्रव्या। सर जी, जब गौरी की आवाज वापस आ जाएगी तब वो इसको नहीं छोड़ेगी, इसकी गारंटी आप दे सकते हो क्या? अब ये क्या बात हुई। हाँ नहीं होगा ना। अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा। उसके लिए बस एक ही रास्ता है कि उसका ये ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए या तो उसे रोक देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उस बेचारी ने बहुत उम्मीदें लगाई हैं। अरे कुछ सैक्रिफाइस करेगा तभी तो कुछ मिलेगा ना तुझे। लेकिन मुझे
ये ठीक नहीं लगता। तब तो एक ही रास्ता है, प्रेगनेंसी। और क्या, बीवी के घर में पति का साधन होता है और मजबूत करने के लिए भगवान का दिया हुआ वरदान होता है प्रेगनेंसी। वो गर्भवती हो गई तो तू बच जाएगा और वो ऑपरेशन भी नहीं होगा और शुरुआत के 9 महीने गर्भावस्था में जाएंगे और 1 साल बच्चे की परवरिश में और बाकी तेरी ताकत के हिसाब से बच्चे पे बच्चे होते रहेंगे। बीवी को खोएगा भी नहीं और आवाज भी रहेगी, तो फिर तुझे खुद को कोसने की जरूरत नहीं। अभी जिस तरह की सिचुएशन है, मैं उसे कैसे प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? वो भी हम ही बताएंगे। ए सुन, उसके अंदर की सोई हुई ममता को तो बुला और उसको जगा। अगर तू उसको जगाएगा तो जो चाहेगा वो पाएगा। जगाना होगा। गर्भवती करने का क्या हुआ? हाँ, मैं देख रहा हूँ। तेरे सिर्फ देखने से कोई लड़की गर्भवती नहीं होने वाली है। ये किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है, तेरी खुद की प्रॉपर्टी है। जा और अटैक कर। अगर मैं अटैक करने गया ना, तो हो सकता है वो मुझे उस तरह का आदमी समझ लेगी, तो क्या होगा? वो नहीं होने वाला है। स्त्री का बलात्कार करने के लिए एटलीस्ट मर्दों की आवाज तो होनी चाहिए ना। चुप करो। चुप कर। ये बलात्कारी की आवाज नहीं है, ये जिसका बलात्कार हुआ है ये उसकी आवाज है। तू पहले जाके गुलशन ग्रोवर और प्रेम चोपड़ा की बढ़िया सी पिक्चरें देख, देख के सीख ले अच्छे से। इसकी आवाज उन बलात्कारियों के जैसी तो नहीं है, ये बात तो साफ है, लेकिन इसके ऑपरेशन को कैसे रोका जाए ये सोचना है। एक आइडिया है, ये माधव जी का बहुत ही भरोसेमंद ज्योतिषी है, रघुराम ज्योतिषी नाम है उसका। उससे बात करने के लिए हम माधव जी से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर लेंगे और हमारी दी हुई कहानी और डायलॉग्स ज्योतिषी वहां जाकर बोल देगा। तेरा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ज्योतिषी ऐसे बोलेगा? नहीं बोलेगा, कुछ पैसे ज्यादा देके ज्योतिषी को बस में कर लेंगे। ये ज्यादा पैसे से मतलब कितना कैश दे रहा हूं? बहुत ज्यादा कैश होगा। क्या इतना कैश तो मेरे पास नहीं है। कैश से भरा हुआ बैंक मेरे पास है पप्पन, लेकिन वो सिर्फ लड़कियों को ही पैसे देता है, फिर भी कोशिश करते हैं। 91 92 93 94। सुन सैंडी, ये पैसे जाके बैंक में जमा कर दे। हाँ, मेरे पास अब 1 रुपया भी नहीं है। टाउन में एक नई शॉप देखी थी, अभी तक वो खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे जमा नहीं हुए। इतने तूने गिने हैं, उसके पास 1/4 हिस्सा चाहिए। 1 हफ्ते में वापस देता हूँ, एक जरूरी काम है। उसका मरने की बात मत करो सर, पैसे नहीं है इसलिए बोला मैंने। लड़कियां मांगोगे तो बराबर देगा ना, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताने वाला, समझ गए तुम लोग? देख लेना, अगले जन्म में तू रानू मंडल बनेगा। बहुत ज्यादा एटीट्यूड है ना इसमें। निकल यहाँ से, निकल। बड़े यार दिमाग खराब करने वाले। मर्दों वाली आवाज निकाल नहीं सकता है, पैसे मांगने आ गया मेरे से। उसके पास बहुत पैसे हैं, अगर तू लड़की होता तो वो पक्का तुझे दे देता। लगता है इसका गेम बजाना ही पड़ेगा। आगे से कोई भी लड़की को बुला के परेशान ना कर सके, ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ेगा हमें। तो फिर एक ही रास्ता बचा है। कैसा रास्ता? मोबाइल फोन वाली सुंदरी। मेरा नाम बाला मनी है। पीना, मीरा, ओके। सुमा प्रभाकर। प्रभाकर सरनेम तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस वाली का हो। फालतू चक्कर में नहीं पड़ने का। क्लारा, मिस कॉल नहीं देती, कॉल भी नहीं करती। वनजा, वनजा को कॉल करके देखते हैं यार। बाला मनी, अरे बाप रे। हेलो। ए, उसने उठा लिया। हेलो हेलो पप्पन जी। जी हाँ, मैं आपका खुद का पप्पन जी, अभी आप पे कॉल करने वाला था। आपका खुद ही कॉल आ गया, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे कुछ बताना था इसलिए मैंने आपको कॉल किया था, पर वो बात मैं आपको कैसे बताऊं? कैसे भी बोलो बाला मनी। वो मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट काम था पप्पन जी, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए। ये है तुम्हारी इतनी बड़ी टेंशन क्या? तुम्हारे बोलने से मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरी एक किडनी मांगोगी। बोलो डार्लिंग, कितनी किडनी चाहिए? सॉरी, कितने स्मैश चाहिए? सॉरी, कितना कैश चाहिए? बोलो ना। मुझे दरअसल 10,000 रुपए, मेरा मतलब 25,000 रुपए चाहिए। बस 25,000 रुपए? ये तो बहुत कम पैसे हैं। मेरा इंटरनेट का 1 महीने का किराया इससे ज्यादा है। ठीक है फिर, तो पैसे लेके घर पे आऊँ क्या? नहीं नहीं, आपको घर पे आने की जरूरत नहीं। ये बताओ ना कहाँ पर बोलूँ? नेहरू पार्क में 5 नंबर की बेंच है, वहाँ पर। कल शाम 5 बजे नेहरू पार्क में 5 नंबर बेंच पर आप बैठे रहिएगा, मेरे नाना जी आपसे पैसे ले लेंगे। नाना जी क्यों आएंगे? अरे बाला मनी, क्यों बेचारे बुढ़े लोगों को तकलीफ दे रही हो? कोई बात नहीं बाला मनी, तुम खुद आओ ना। सही समय आने पर मैं आपके सामने जरूर आऊंगी। वैसे भी पप्पन जी, मैं आपकी तो हूँ, फिलहाल के लिए कल नाना जी आपके पास आएंगे
और हमारे नाना जी की वैल्यू ना हमारे खानदान में सबसे ज्यादा है। अगर आपने नाना जी को इम्प्रेस कर दिया ना तो सब सेट हो जाएगा। अच्छा, वो मेरे पे छोड़ दो। अच्छा, नाना जी को इम्प्रेस मैं बड़ी आसानी से कर लूंगा। अच्छा, वैसे नाना जी का नाम क्या है? नाम कोमा कुरूप। टोमा कुरूप नहीं, कोमा कुरूप। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। ये पागल बुड्ढा कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ रह गया? हेलो मिस्टर नटवरलाल। नटवरलाल? हाँ, नाम क्या है पूछा मैंने? पप्पन। पप्पन, अपना पप्पन। पैसे जो बोला था वो लेके आया कि नहीं? जी हाँ, ये गिन के देख लीजिए। लेते समय गिनना हमारे शान के खिलाफ है, क्योंकि हमें गिनना नहीं आता है। वेल डन माय बॉय, वेल डन। अच्छा, ये चेहरा तो कहीं देखा हुआ सा लग रहा है मुझे। मिस्टर पप्पन, वो क्या है ना कि धरती इतने सालों से घूम ही रही है, तो कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा मुझे भी। लेकिन जब ये कोमा कुरूप नाम सुना तो ऐसा लगा कोई गाउटी नाना जी होगा। इसलिए मैंने कुछ ये पान और तंबाकू ले लिया। वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं अपने मगरमच्छों को ये मिला कर देता हूँ। फिर ठीक है। बाय द वे, बहुत ही जल्द मैं ये रकम दोबारा मांगने वाला हूँ, तुम दे तो दोगे ना? जाने से पहले नाना जी, एक मिनट, पूछूंगा तो बुरा तो नहीं मानेंगे? अच्छा? नाना जी की पोती बालामणि कैसी दिखती जैसे है? जैसे सब देखते हैं, इंसानों की तरह। अब वो नहीं, दिखने में कैसी दिखती है? वो खूबसूरती की एक नदी है, ऐश्वर्या की जैसी शक्ल, श्रद्धा की जैसी आंखें और मलाइका की जैसी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, वैसी है मेरी पोती बालामणि। मतलब एकदम सुंदरी है ना? हाँ? नहीं, मिक्स है। वेल डन माय बॉय, तुम उदास मत होना, और आगे फिर से और ज्यादा पैसे मांगकर आपको परेशान करूंगा, तो उदास मत होना। ऐश्वर्या जैसी शक्ल, श्रद्धा की आंखें, मल्लिका जैसा फिगर, उसकी बॉडी, लता मंगेशकर की आवाज, मेरी प्यारी डार्लिंग। ऐसा अचानक क्यों लगा तुमको? तभी तो हमारा प्लान होगा ना। कैसा प्लान? मेरा मतलब है कि जब से ये ऑपरेशन तय हुआ है ना, तब से उन्नी बहुत परेशान है कि गौरी की आवाज वापस आएगी या नहीं, ये वक्त अच्छा चल रहा है या नहीं, कुछ तकलीफ है क्या, अगर तकलीफ है तो उसका उपाय क्या होगा। इसीलिए इसका मन एकदम तरस रहा है, वो अपना नाम उन्नी उसके मुंह से सुनने को तरस रहा है ना उन्नी? मत कर। दुनिया का सबसे बड़ा फोनो सर्जन है डॉक्टर, ऐसे हरि ने बोला था, ऑपरेशन अच्छे से ही होगा। उसके लिए अभी ज्योतिषी की आवाज की जरूरत नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है, बहस नहीं चाहिए। वैसे इसमें बहुत सारे चोर घुसे हुए हैं, लेकिन रघुराम जी ऐसे नहीं है, महान है वो, उनकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। अब अगर इनके मन में ऐसा आया है तो एक बार उनकी राय ले ही लेते हैं। दूसरी दशा में गुरुवार, सातवें दिन शुक्रवार, ग्यारहवें दिन केतु, कर्म स्थान में चंद्र का अभाव। शुभ कर्मों के लिए एक दिक्कत तो दिख रही है मुझे। मैं कुछ समझा नहीं। कर्म करने वाले का वक्त सही नहीं है, आने वाले रास्ते में दिक्कत दिख रही है। जो भी कर्म हो उसकी फल प्राप्ति में दिक्कत है। नया बिजनेस, यात्रा, इलाज, शादी, गृह प्रवेश और सारे शुभ काम इस समय के लिए रोकने होंगे। आपको इलाज करोगे तो फल जरूर मिलेगा, लेकिन अभी इलाज करने का सही समय नहीं आया है। तो क्या आपका मतलब है अभी ऑपरेशन के लिए नहीं भेजना चाहिए? जी हाँ, शुक्रवार का स्थान थोड़ा बदलने दो, 3 साल और 7 महीने के बाद, उसके बाद भी हो सकता है ना ऑपरेशन, इंतजार करो। और क्या कर सकते हैं? उन्हीं, उन्हीं रिलैक्स। सब भगवान के हाथों में है। पंडित जी गलत बोलूंगा तो माफ करना। सातवें दिन शुक्रवार है तो कर्म करने वाले का वक्त कैसे खराब हो सकता है? ये क्या बोल रहा है? ये दूसरी दशा में गुरुवार है तो उनकी दृष्टि आएगी ना,
रोगी की मनोकामनाएं और इलाज का पूरा फल मिलना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ज्योतिषी में हारी उतना पीछे नहीं है। उसके सवाल का जवाब दो ज्योतिषी पहले आप। गलती तो इंसान से ही होती है ना, तो गलती मुझसे ही हुई है ना। दूसरी दशा के गुरु पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जो भी दिक्कत आएगी वो सब दूर हो जाएगी। आप लोग मेरी बात पर विश्वास कीजिए। योनि कृष्णन की कुंडली के हिसाब से कर्म स्थान पे भी शुक्र है। बीवी को जरूर ही अविश्वसनीय सौभाग्य मिलेगा। उसके पति की कुंडली की वजह से ही गौरी की आवाज वापस आएगी। हमें योनि कृष्णन का शुक्रिया करना चाहिए। योनि कृष्णन की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ। अब तो ऑपरेशन करवा सकते हैं आप लोग। बेटी तुम्हारे सजेशन के लिए शुक्रिया। थैंक्स। राक्षस कहीं का। तेरी कुंडली में ना 1 से 2 किलो पुण्य ज्यादा बढ़ चुका है। टेंशन मत ले, बस सहने के लिए तैयार हो जा। सुनिए, अरे सुनिए झूठे ज्योतिषी जी, पैसे पूरे लेकर खा गए और बाद में पलटी मार दी। पैसे जो लिए उतना मैंने काम किया। बीवी के अच्छे दिन पति की अच्छी कुंडली की वजह से है ना, मैंने ऐसा ही तो बोला। फिर बाद में अच्छा कौन हुआ, योनि कृष्ण। अरे तुझे तो ये ऑपरेशन कैंसिल करने के पैसे दिए थे ना। एक फैमिली बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इस झोल में तुम्हारा साथ दिया। गीता में ऐसा लिखा है कि अगर किसी की जान बचे तो झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं है। कौन सी गीता? कोई भी लड़की का नाम लेके तो पलटी मारने की कोशिश कर रहा है ना। तुझे बोल के कोई मतलब नहीं है। वो लड़का ज्योतिष शास्त्र में ज्ञानी है, ज्यादा झोल करेंगे तो उसे पता चल जाएगा। मेरा काम गया तो मेरे बीवी बच्चों को कौन देखेगा? नहीं, लेकिन बीवी को देख सकता। दारिंदा कहीं का। एक अच्छा काम करूं सोचा तो हकला रहा है। अपना भी क्या नसीब है यार। एक रास्ता है, किसी की भी बीवी हो अगर एयर इंडिया की भी फ्लाइट है तो उसको कैंसिल कर देगी। अगर उसके पति का एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं हमारा प्लान हमारे हाथ से बाहर न चला जाए। अगर उसे खो दोगे तो इससे बड़ा एक्सीडेंट और क्या हो सकता है तुम्हारे साथ। वैसे आप जिस एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं वो किस रेंज तक होना चाहिए? वो सब बीवी के मूड पर डिपेंड करता है। हाँ, कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ। कुछ बीवियों को हाथ पैर टूट के क्लॉक के पेंडुलम के जैसे लटकता है ना, वैसा कुछ। और कुछ बीवियों को कमर के नीचे जो पैरालाइज हो जाता है वो पसंद आता है। सच कह रहा हूँ। पता है ना, कुछ औरतों को आंखें फूट जाना पसंद होता है। हेलो हेलो, सुनो, अरे सुनो, रुको। कैसा लगा देखो? यहाँ के ऐश्वर्या का फेस, मलाइका की बॉडी, ये पागल हो गया है क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है। पागल है क्या? ये कौन है पता है? नहीं, मेरी बाला मनी। टेलीफोन फ्लड बोल के चिढ़ाते थे ना मुझे, उसी टेलीफोन से ढूंढ के निकाला है मैंने इसे। जिंदगी बदलने में पल भर का वक्त नहीं लगता है, समझे? होने के लिए भी। तुझे पता है दिन में 100 बार ये मुझे कॉल करती है। अभी जस्ट कॉल आया था उसका। अगर मैं कॉल ना करूं, मेरी आवाज ना सुने, वो उठेगी नहीं, सोएगी भी नहीं। हाँ, किसी किसी की आदत ऐसी होती है, कुछ गंदा सुन ले बस सोने लगते हैं। ऐसी आवाज होगी तो कौन सुनेगा तेरी बात? तुम लोगों को मुझसे जलन होती है। तुझे उसकी आवाज सुननी है? मैंने रिकॉर्ड करके रखी है। इससे पता तो नहीं चलता कि वो मेरी ही आवाज है। बाद में सुनाता हूँ, ठीक है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है। रुक, अभी सुन के ही जाना यहाँ से। ये तो लता मंगेशकर जी की आवाज है। ये है मेरी बाला मनी की सुंदर सी आवाज। लता मंगेशकर जी भी फेल हो जाएंगी इसके सामने। केवल लता मंगेशकर ही नहीं बल्कि महेश मांजरेकर भी फेल हो जाएगा। जलन हो रही है तुझे? खुद की आवाज का का जैसी है और मुझे सिखा रहा है तू? कुत्ते की आवाज केवल कुत्ता ही पहचान क्या, सकता क्या, है। क्या 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 जलन है बेबी, जलन। अपन चलता है। अगर उसका ऑपरेशन रोकना है तो मेरा पैर टूट के बिल्कुल इस पेंडुलम की तरह लटकना चाहिए। इसका वेट तो काफी ज्यादा है, बस मेरा एक ही पैर टूटना चाहिए। हे भगवान रक्षा करना। टीचर, आपका हस्बैंड गल्फ से वापस आया क्या? नहीं आए, उनको छुट्टी नहीं मिली। अच्छा हुआ, कभी छुट्टी नहीं मिलना चाहिए। क्या बोले? कुछ नहीं।
वैसे भी सऊदी अरब काम करने लायक जगह नहीं है। वैसे भी हाथ पैर सलामत था तो उसको यहीं पे काम करना चाहिए था। अरे कोई उठाओ उनको, उठाओ, अरे उठाओ उनको, कोई उठाओ, ये गिर गए, उठाओ उनको, उठाओ, उठो, उठो, उठिए, हाँ मखा ये चपेट में आ गया, सच में मुझे लगता है वो कुछ ज्यादा ही भारी था। मुझसे ये सब नहीं होगा, सुनो तुम्हें कोई और दूसरा रास्ता निकालना होगा। जब जब पूछेगा क्या रास्ता बताने वाला, मैं गूगल मैप हूँ क्या? मेरे हिसाब से अब एक ही रास्ता बचा है। क्या? थोड़ा कठोर रास्ता है। वो क्या है? आम खाना तो गुठलियां मत गिन, कॉल कर पप्पन को बाला मनी बनकर और उससे पूछ कि 50,000 देगा क्या। कितना? 50,000? वो नहीं डियर, तुम फिर से इतने कम पैसे क्यों मांग रही हो मुझसे? सुनो ये तो मेरे एक महीने के पेट्रोल का खर्चा है, इट्स ओके। हे भगवान चैन। वैसे भी मुझे यहाँ लैपटॉप की जरूरत नहीं है। पूरी रकम रेडी है ना? ये लीजिए नाना जी। थैंक यू नटवर बेटा, थैंक यू। नटवर नहीं पप्पन हूँ, मेरा नाम तो याद रखो नाना जी। सॉरी मिस्टर पप्पन नटवर, तुम उदास मत होना, मैं जल्द ही अगली रकम लेने वाला हूँ, तुम बस तैयार रहना। ऐसे एक के बाद एक उधार मांगोगे तो कैसे चलेगा? मैंने जो बोला उसका क्या हुआ? बाला मनी से मिले बिना 5 पैसे नहीं दूंगा मैं। मिस्टर पप्पन नटवर, बाला मनी को नहीं देखा, उसका इतना बड़ा दुख है तुमको? दुख भी है और दर्द भी है मुझे। वेल डन माय बॉय, देवदास मुझे बहुत पसंद है। ये पार्क में यही बेंच में 5 बजे लाल कलर के सलवार में वो आएगी, तुम उसको देख लेना और आज के बाद कभी तुम उदास मत होना। लाल ड्रेस में अगर कोई और आई तो मैं कैसे पहचानूंगा उसको? डोंट वरी माय बॉय, मैं एक सीक्रेट कोड देता हूँ तुम्हें। कोड? ये तो भजिया है। ऑफ कोर्स, ये तो आधा ही है ना। इसका बाकी का हिस्सा बाल मनी के पास है। ये सीक्रेट कोड एक साथ जुड़ जाए तो पप्पन वो बाल मनी है। और एक बार मुझे ठुकराने का कोई तेरा इरादा है तो तेरी माँ बहन मेरे घर पे रहेंगी, समझा? अगर तुझे ठुकराने का मेरा कोई इरादा है तो मेरी माँ बहन तेरे घर पे रहेंगी, याद रखो। हाँ ओके। क्या कर रहा है ये? क्या चाहिए? ए, कुछ करना नहीं है। अरे रुको रुको रुको, इन्हें मारो मत, ये मेरे पहचान वाले हैं। जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। अरे इसका पैर तो टूट ही गया है। बस यही टूटा फूटा हाल चाहिए था एक सफर को रोकने के लिए। वैसे उन्होंने एक ही पैर को क्यों तोड़ा है बताओ जरा? रास्ते में कुछ लोग हरी को मार रहे थे, मैं उसे बचाने गया तो ये सब हो गया। कई लोग? हरी को मारने के लिए गुंडों को मैंने ही भेजा था। जो भी हो पप्पन का पैसा काम आ गया। ये कुछ ज्यादा ही हो गया द्रव्य, और कोई रास्ता नहीं था ना?
बेटा ये तुझे क्या हो गया? डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। अभी इसको ठीक होने में 1 से 3 महीने लग सकते हैं। मुझे इसकी टेंशन नहीं है, लेकिन ये एक पैर के सहारे कैसे चलेगा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। बाहर चलते हैं। चलो। हे भगवान ये ना जाए। ऐसे सिचुएशन में वो कह रही है कि मैं ऑपरेशन के लिए नहीं जाऊंगी, इधर रह के उन्नी कृष्णन की देखभाल करूंगी। आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ही ली। क्या पागलपन है बेटी, ऐसी छोटी बात के लिए तुम ऑपरेशन नहीं रोक सकती। बेटी पत्नी का हक ही है पति को देखना, लेकिन तुझे पता है तेरा ये पति बचपन में बहुत ही मस्तीखोर था, और तो और 15 साल की उम्र में 17 बार उसने अपना हाथ पैर तुड़वा चुका है। तभी इन सब में उसकी माँ ने ही उसको देखा है। बस करो माँ, ज्यादा मत बोलो। मेरे होते हुए इस कारण से तुम्हारा सफर नहीं रुकना चाहिए। मैं देखती हूँ इसको। मान लो बेटी, और कोई नहीं, उन्नी की माँ ही तो बोल रही है। उतना ही नहीं, तू एक बार बोल तो सही उठे, उसके लिए कान खुले करके बैठा है ये, है ना बेटा? बेटी आओ। दीदी आओ। अभी कैसा लग रहा है? पहले से ठीक लग रहा है। टेंशन मत लो, रेस्ट कर लो। तो मैं बाहर हूं। तुम कब जाने वाली हो? महीने का आखिरी संडे मैं अपनी बाला मनी से मिलने वाला हूँ। तुझे भी ऐसे ही गोले के अंदर कर दूंगा। लाल ड्रेस पहन के आएगी ना तू, तो तुम्हारा पसंदीदा कलर लाल है। लाल ही है मेरे बाल भी, लाल ही है उसके गाल भी, लाल ही है उसकी चाल भी, पसंद आएगा उसको ये लाल लाल। वो बुड्ढे की भजिया कहाँ गई? जल्दी ढूंढ लेता हूँ उसको। ये है क्या? ये भी नहीं। नहीं लगता था मेरा। लाल ड्रेस नंबर 5। बेबी डार्लिंग, मुझे देखने के लिए तरस रही है, तरसो मत। ये आ गया तुम्हारा पप्पा। कैसे बताऊं, गाल पे किस करूं क्या? नहीं डर जाएगी। नहीं, आग बंद करता हूं इसकी। बताओ कौन है? अरे डरो मत, पप्पा डरो क्या हुआ? एक्चुअली क्या हुआ था मैं बताता हूँ। ये लड़की वहाँ पे बैठी थी और ये मैं अरे सिस्टर, इंजेक्शन धीरे घुसाना सिस्टर, मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। स्लो मोशन में घुसाना मुझे नहीं आता है ब्रदर। हेलो, हाँ पप्पन बोल रहा हूँ।
टोकोमो पप्पन। अच्छा तो ये है टोकोमो पप्पन। तुम हो। ओके ओके सिस्टर इंजेक्शन के बाद नंबर देना। हेलो। हाँ नहीं नहीं फिर तुम कब आई हो? कल ही आई हूँ। हाँ हाँ मैं वहाँ कॉल करने वाली थी। ओह दैट्स फाइन। ऑपरेशन होने तक हमें बड़ा टेंशन था। हाँ नहीं आप सभी की दुआ से सब सही हुआ। थैंक्स आंटी। समझ लेंगी जी। हाँ थैंक्स आंटी। वो कह रहा था। अरे ले लो ना शर्बत। थैंक यू। नो नो सारा क्रेडिट हरी का है। हाँ तो बेटा यहाँ दे दो। हाँ देती हूँ। अरे बच्चों हरी ये लो फोन। संभाल आंटी है श्रीदेवी आंटी। ये लीजिए। हेलो वैसे आपकी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई। ये लीजिए। थैंक यू। मैं सोच रहा था कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया। ये सब जो मैंने किया है सब ऊपर वाला का महिमा है। अपनी बेटी के काम आ जाए बस। और क्या गई। बेटा मुझे तो गौरी की आवाज सुने बिना मन ही नहीं लग रहा था, इसलिए खाली हाथ नहीं आ सकती ना। थोड़ी खीर और उत्तपम बनाया है, गौरी को बहुत पसंद है। कहाँ है मेरी बेटी, देख लूँ जरा। वहाँ पर बेटी। गौरी बेटी। पापा ये पकड़ो। भाजी सीमा कैसे खुश हूँ मैं बेटी, भगवान ने हमारी दुआ सुन ली। हाँ माँ जी। जो भी हो ये सही नहीं है, हम भी गौरी दीदी से मिलने आए हैं। ओह हम पैसे वाले नहीं है ना। सीमा क्या बोल रहे हैं? मैंने क्या गलत बोला? माफ करना आपको बुरा लगा होगा, वो उसका मतलब था सभी लोगों के प्यार से उसका दम घुट रहा है, वैसे ही बहुत बोलती थी ना वो। आप लोग बैठिए ना। माँ वो ये जो बोली इस पे ध्यान मत दे, ये ऐसे ही है, हम जाके बाद में आते हैं, थोड़ी भीड़ कम होने दे। ये गौरी को दे देना। लेकिन माँ गौरी से तो मिली ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा। उसका तो कुछ पूछो ही मत, सुबह से म्यूजिक रूम में है वो। गौरी और हरी बेटा वो रूम अभी पोछ रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। वो रूम देखना चाहिए अभी, क्या मस्त दिख रहा है। आगे से कभी वो रूम बंद नहीं करेगी ऐसा बोला गौरी ने। अभी वो करने की जरूरत नहीं है ना, उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो रूम। बेटे तुम जाके देखना। हाँ अ
अपना म्यूजिक रूम कैसा लगा? साफ सफाई करने से म्यूजिक रूम नहीं होगा, सूरताल चाहिए। तुम गाना शुरू करो। इसका स्ट्रिंग किसने सही किया? उस दिन हम सर्जरी के लिए गए थे ना, तब पापा ने किया। हाँ, ये कब टूटा था याद है? हाँ, वो कॉन्सर्ट के एक दिन पहले। क्या मजे के दिन थे। बाला मुझे राम कृष्ण सर, माधव अंकल भी गाना गाए थे। मेरे जाने से पहले एक दिन माहौल बनाते हैं। ठीक है। तुम्हें गाने का मन कर रहा है क्या? गाने का मन तो है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो गाने लगोगी तो अपने आप हो जाएगा। तुम गाना शुरू करो। हाँ बेटी, सब कुछ पापा चांद भाई ने फादर को बताया है। That's a great news. बेचारे फादर प्रिंसिपल, उस दिन के हादसे के बाद मुझे कॉल नहीं किया कभी। वो क्यों? जानबूझकर ही। आवाज खोने के बाद वो मुझे फेस नहीं कर पाए होंगे। मेरे बड़े फैन थे फादर। और हाँ, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं आ रहे, साथ में पूरे फ्रेंड्स और उनकी फैमिली भी है। वो सब पहली बार आपको मिलने आ रहे हैं, तो मस्त स्मार्ट दिखना। तो फिर तुम देखना, मैं उन सबके सामने हीरो बन के आऊंगा, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। ठीक है? थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्ते। नमस्कार। गुड मॉर्निंग फादर। मैं इंतजार कर रहा था ये आवाज फिर से सुनने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट। अरे तुम तो बहुत पतले हो गए। पति को कहाँ पर बांध कर? घर पे है वो, ये बोली अच्छा ही है, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। तू अमेरिका जा कभी पतला नहीं है, बिल्कुल वैसा ही। आइए ना, आइए। चाहे कोई भी आए, लेकिन मैं तो इतना ही मेकअप करूंगा। और माधव, तुम्हारा बिजनेस कैसा? ऊपर वाले की दया से चल रहा है फादर। अच्छा, अरे तुम्हारे हस्बैंड नहीं दिखे, कहाँ है? हाँ मैं बुलाती हूँ, रुको मैं भी चलता हूँ। फादर, बाकी सब ओके है ना? सिर्फ तेरे ही कमी है वहां पर। यस, अब मैं पूरी तरह से तैयार हो गया। हेलो प्रिंसिपल, ले 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 जी, ये क्या बोल दिया? नहीं नहीं, हेलो प्रिंसिपल फादर जी, कैसे हैं? ओके। कौवा ना आएगा तो गिद्ध नहीं बन जाएगा। नीचे तुम मत आओ, वहां अच्छे पैसे वाले बड़े घर के लोग आए हैं। तेरे पास तो पैसे नहीं है, मर्दों जैसे बात करने के लायक भी नहीं है। उनके सामने एक जोकर की तरह रह के मेरी बहन की इज्जत मत कर। जितना बोला उतना कर, बेकार का लफड़ा मत कर। तेरे बीवी के कहने पे तू ऐसे बन रहा है तो गलत है तू। जो कुछ भी हो, तुझे रोकने के लिए भी तेरी बीवी नहीं बोला था। भरोसा नहीं हो रहा? आवाज वापस आने के बाद गौरी की जिंदगी से बाहर है तू। आज नहीं तो कल तुझे पता चली जाएगा। ये सब बोलूंगा तो तेरे दिमाग में नहीं जाएगा। पहले से ही मुझे पता था ये सब, लेकिन पैसे के लिए कुछ भी करेगा ना तू। ये ले, गूंगी लड़की से शादी तक कर लिया, ये ले पैसे। चार लोगों के सामने पति ना बनने का पैसा दिया है उसने। ये ले पैसे और निकल यहां से। तुम्हारी इस अच्छी खबर के बदले में मेरे पास भी एक अच्छी खबर है। मैं इस पोजीशन से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। इसी 15th को कॉलेज डे सेलिब्रेशन के साथ साथ मेरा सेंड ऑफ भी है। बहुत कुछ मैंने इस कॉलेज के लिए किया है, जैसा चाहो वैसा किया। सिर्फ एक ही इच्छा रह गई है,
आधे में खत्म हुआ एक गाना है तुम्हारा, वो गाना उसके लिए बहुत तरसा हूं मैं। एक हफ्ते का वक्त भी है गौरी, तुम फिर से आ सकती हो ना? तुम फिर से आओगी ना गौरी? फादर, ये मुझसे होगा क्या? वो सही कह रहे हैं बेटी, मुझे पता है तुम्हारे आंसू गिरे हैं, लेकिन तुमसे होगा, होना ही चाहिए। वो गाना सुन के ही मुझे उस कॉलेज से निकलना है, बस इतना दे दो गुरु दक्षिणा के तौर पे। फादर, गौरी ये सब लिखा है, मेरा वापस आना, इसकी आवाज वापस आना, और फादर का एक ऐसा सजेशन देना जैसे ऊपर वाला बैठकर सब कुछ चला रहा है ना फादर? तुम मना नहीं कर सकती, मान लो ना बेटी, मान लो बेटी, मान लो बेटी। क्या हुआ तुझे? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? फादर प्रिंसिपल आए तो भाग गए ना? जो भी अर्जेंट था कुछ टाइम के लिए हटा देते ना। अच्छा क्या हुआ? पूछा नहीं। फादर रिटायर होने वाले हैं, कॉलेज डे और सेंड ऑफ एक ही साथ है, ये आने वाले संडे को। उस दिन मुझे एक गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट किया है फादर ने, मुझे मानना पड़ा, गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा, और हरी ने भी बहुत फोर्स किया। कल से यहाँ रिहर्सल चालू करने वाले हैं, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कॉलेज में से सारे पुराने नौटंकी लोग रहेंगे। अच्छा इतना अर्जेंट क्यों गए स्कूल? थोड़ा जरूरी काम था। क्या हुआ, क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, आपको मुझे बताना पड़ेगा, प्लीज बताओ ना। ये ले पैसे, गूंगी लड़की से शादी तक कर लिया, ये ले पैसे, चार लोगों के सामने पति ना बनने का पैसा दिया है उसने, ये पकड़ पैसे और निकल यहाँ से, निकल। कल जो आया उसका सुन के आप मुझे दोषी मत ठहराओ। शट अप एंड गेट लॉस्ट, रिश्तों का क्या महत्व है वो तुम नहीं जानते, निकल जाओ यहाँ से। क्या बोल रहे हैं आप ही? ऐसे निकाल नहीं सकते आप उसको, उसका भी हक है ये घर में। तो मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, तुमने इसको इतना बिगाड़ कर रखा है, तुम्हें क्या हक है इस घर में रहने का? रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हम सब शांति से बैठकर बात करके खत्म करते हैं, है ना? नहीं अरे, मुझे किसी के उधार पे नहीं रहना यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। हेलो, मेरे अंकल को तूने घर से निकाला, लेकिन खुद अच्छा बनके सबको घर से निकलवा के पूरी दौलत एक साथ खा जाने का तेरा इरादा है, तो तू ध्यान में रखना, ये गेम में कौन आउट होता है देखते हैं। उसके लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, अंकल ने सही कहा है, संतरे के छिलके की तरह तेरी बीवी तुझे फेंकेगी, तो देख सिर्फ। ऐसा कुत्ता है जो रोटी भी चुराता है और सेठ को भी काटता है। मेरे बदले में उस घर से तू बाहर होता, वैसे ना हो इसलिए मैं इंटरफेयर किया। पता है अंकल मुझे, अभी संभाल के, अगर कल को तुझे वो निकाल देगा तो दौलत उसकी हो जाएगी। आप इतने लेट क्यों हो गए? दरअसल मैं बाहर चला गया था। हरी अच्छे मूड में है, ऐसे ही गाया तो दो दिन में रिहर्सल पूरी हो जाएगी। रिहर्सल के बहाने कभी ऊपर आया करो, गाना वाना गाते हैं। नहीं हरी, ये बोर होंगे, आप खाना खा के सो जाना, नारायणी अम्मा दे देगी। तो फिर तुम खा लो। क्या हुआ, सांप सूंघ लिया क्या?
कि बीवी का परफॉर्मेंस देख के फट गई, तुझसे शादी नहीं करती तो आज उसका पति होता वो जो साथ गया उसके। अरे कोई बात नहीं, जो खोया उसने वो सब उसको एक एक करके वापस मिल रहा है। उसने बोला ना, भैंस के आगे बीन क्यों बजाना, जा कुछ खाना ठूस के जाके सो जा, काम वाली देगी खाना, वो तेरे लेवल के लिए सही है, जा बे। हे भगवान, सुबह से चालू है ये शोर, मुझे परेशान करके रखा है। नारायणी चाय, नारायणी कॉफी, नारायणी खाना, बुलाते ही रहते हैं बस। सुबह से मेरी हालत खराब करके रखी है। लेकिन बेटा तुम खाना खा लो, गौरी ने तो सुबह से मेरी हालत खराब करके रखी है, तुम खाओ। वो हरी आने के बाद कितना बदल गई है, हंसी मजाक खेल उसके पीछे से हटती ही नहीं। दोनों अच्छे दोस्त है ना, एक साथ पले बड़े जो है, लेकिन ये रोज का नाटक हो गया है। क्या बोलूं बेटा अब मैं तुम्हें, तुम खाओ तुम खाओ। इस सुहाने अवसर पर मेरी खुशी के दो पल मैं अपने स्टूडेंट्स और साथियों के साथ शेयर करना चाहता हूं। आज इस मंच पर हमारे साथ मेरी खुशी को शेयर करने के लिए एक महान व्यक्ति भी हैं, उन्हें कृष्णा। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और मेरे प्यारे क्या बोलूं मैं, डर कर क्यों उठे, कोई सपना देखा है? सुबह का सपना सच होता है, तुम्हें पता है। तुमने क्या देखा बेटे? जो भी देखा हो ये लो चाय पियो। हाँ
मैं आपके नए जीवन में एक बाधा हूँ, मुझे भूल जाओ। आपके आगे एक अच्छा भविष्य है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो ऊंचाइयों तक आप पहुंचे और जीवन में हम एक दूसरे से कभी ना मिले। आपका प्यारा उन्नी कृष्ण। निकाला गया हूँ पता है, लेकिन क्या करूँ, मेरे गौरी बेटी का प्रोग्राम है ना, मैं कैसे नहीं आ सकता। आओ भैया। आओ अंकल। एक बात बतानी, सही समय पे आए हो आप, क्या है आप बता दो। जो हमने चाहा और उसने कर दिखाया, एक ही बात हुई ना अंकल। मुझे बाहर निकलवाया था ना उसने, अभी क्या हुआ, सेल्फ गोल मारकर खुद बाहर हो गया। अभी वो आइंदा यहाँ ना आए ना तो उसके लिए अच्छा है। वही तो, फिलहाल के लिए ये सब गौरी को पता ना चले ना तो बहुत अच्छा है। ऐसे हुआ तो ये प्रोग्राम नहीं होगा, वो कभी होना भी नहीं चाहिए। अरे ये बच्चे कहाँ गए, वक्त निकला जा रहा है। कौन आया? कहाँ गए थे तुम लोग, हमें लेट हो गया है, फंक्शन चालू हो गया होगा। सॉरी अंकल, मंदिर में वक्त लग गया, पंडित जी बहुत स्लो थे। जल्दी जल्दी करो, निकलना है। चलो जल्दी। चलिए। हेलो फादर, ये जो तूने किया है वो सही नहीं किया है। एक डरपोक की तरह भागना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तुझे लगता है ये तेरे प्रॉब्लम्स का सलूशन है? माननीय स्टाफ और सभी स्टूडेंट्स, तेरे मन की प्रॉब्लम्स को गौरी के साथ एक बार डिस्कस कर उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना, समझा? कुछ आजा। अभी हम सब बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं प्रोग्राम का, हमारे कॉलेज की शान, हमारी प्यारी गौरी के गाने का। धन्यवाद, ये मेरे लिए नई जिंदगी है। आप लोगों का ये प्यार मुझे फिर से मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तालियों से जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, इसका श्रेय कई लोगों को जाता है। खोई हुई मेरी आवाज फिर से वापस लाई हरी ने ऑपरेशन करवाकर। आज हरी के वजह से मैं गा पाई हूं, हरी शुक्रिया। मुझे ये गाना फिर से गाने के लिए प्रेरणा दी फादर प्रिंसिपल ने और मेरे घर वालों ने, लेकिन मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं वो एक इंसान की, मेरे पति। उनके प्यार और उनके विश्वास से ही मुझे यहाँ गाने के लिए हिम्मत मिली। मेरे लिए बहुत कुछ सहन किया है उन्होंने, मेरे ऑपरेशन के लिए और इस वक्त के लिए उन्होंने सारे काम छोड़ दिए अपने। एक खुशी बची है, वो भी उन्होंने मेरे लिए त्याग दी। ज्योतिष से दिखाया, मंदिर गए, प्रार्थना किया, वो मेरे लिए हमेशा एक प्रेरणा ही है।
मेरा ये गाना सुन के सबसे ज्यादा खुशी इस वक्त शायद उन्हें ही हुई होगी, लेकिन उनको अचानक कहीं जाना पड़ा इसलिए आज वो यहाँ नहीं आ सके। पर मेरे सारे सौभाग्य के लिए मेरी राह में दिया बने हुए मैं उनके पैरों में गिरकर उन्हें अपने दिल से नमन करती हूँ। मुझे सबके सामने एक बात बतानी है तो माफ कीजिएगा। थैंक यू। मुझे आप सभी लोगों से एक बात बतानी है। गौरी अभी अपनी बातों में जिसका जिक्र कर रही थी वो मैं ही हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर आप लोग हंस रहे हैं मुझे पता है। आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे कुछ बात बतानी है इसीलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि आप लोग शांत रहिए। मेरी आवाज़ में कमी है, इस बात को थोड़ी देर के लिए आप लोग भूल जाइए प्लीज़। गौरी ने मेरे बारे में जो कुछ भी बोला मैं उन सब का हकदार बिल्कुल भी नहीं हूँ। गौरी की आवाज़ ना आए इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता था कि कभी उसकी आवाज़ वापस ना आए। मुझ जैसे आम आदमी के सामने गौरी में सिर्फ एक ही चीज़ की कमी थी कि वो बोल नहीं सकती थी, और मुझे इसी चीज़ का डर था कि अगर वो बोलने लगी तो मैं उसके सामने कुछ भी नहीं रहूंगा, मेरी कोई अहमियत नहीं होगी। मैंने गौरी को खोने के डर से मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। मेरे आवाज से ज्यादा तो मेरा मन खराब है कि मैंने यह सब सोचा। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो सभी लोगों ने मुझे वहां पर बहुत चिढ़ाया, मेरे टीचर्स ने, मेरे दोस्तों ने, वहां पर मौजूद सभी ने। उसी दिन से मुझे मेरी आवाज से नफरत सी हो गई। जहां पर लोग इकट्ठा होते मैं वहां से चुपचाप चला जाता हूँ। भगवान ने मुझे इस तरह की आवाज दी इसलिए मैंने उन्हें भी बहुत कोसा, हमेशा उन्हें भला बुरा सुनाया, लेकिन भगवान सच में होते हैं ये बात मुझे आज समझ में आई, क्योंकि सब लोग मेरी इस आवाज़ को सुनकर मेरा मजाक उड़ाते थे लेकिन गौरी ने मेरा मजाक कभी नहीं उड़ाया। ये मेरा सौभाग्य है कि गौरी मुझे मिली। अगर आज उससे मेरी शादी हुई तो उसकी वजह है मेरी आवाज़। मेरी जितनी भी गलतफहमी थी वो गौरी ने अभी यहाँ पर बोलकर दूर कर दी, इसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात को आप सबने पूरे मन से और शांति के साथ सुना उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।